भी स्वागत करें। अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगी कि सर के परिचय एवं उनकी कार्यों की व्याख्या के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं। माइक पर प्लीज मैम। आज के व्याख्यान से उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर बीपी सिंह जी का मैं कॉलेज सभागार में शंभुदयाल पीजी कॉलेज गाजियाबाद की ओर से, इस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर सिंह से मेरा परिचय बहुत पुराना है, करीब 82 से लेकर अब तक बहुत अच्छा परिचय, बहुत अच्छा संपर्क हम लोगों का रहा है। मैं उन्हें अपना सीनियर कहूँ, मित्र कहूँ, बड़ा भाई कहूँ, गार्जियन कहूँ या गुरु भाई कहूँ, इस सबसे ऊपर वो एक बहुत अच्छे ज्ञाता, समाजशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के सेशन चेयर किए हैं, जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और बहुत सारे देशों में जाते आते रहते हैं, व्याख्यान होते रहते हैं और इंडिया में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों का नाम लेना शायद वो सूची बनाना संभव नहीं होगा, अलग अलग विश्वविद्यालयों में इनके व्याख्यान होते रहते हैं, लेक्चर होते रहते हैं और हर माह या मैं कहूँ हर 15 दिन में कोई ना कोई सेमिनार, कोई ना कोई सेशन, कोई ना कोई टेक्निकल सेशन चेयर करते रहते हैं। आपने अपना एजुकेशन मेरठ विश्वविद्यालय से की, उसके बाद भोपाल विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में अपना कार्यभार संभाला, वहां से सिलचर आसाम एसोसिएट प्रोफेसर रहे और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्लोबलाइजेशन सेंटर फॉर स्टडीज शुरू हुआ और उसकी शुरुआत, ग्लोबलाइजेशन पर आपका शुरू से ही कार्य था, मास मीडिया, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, इस पर 82-83 से ही आपने जब से अपना रिसर्च शुरू किया आपका कार्य इस फील्ड में रहा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको ग्लोबलाइजेशन से संबंधित स्टडीज के लिए सेंटर खोलने के लिए, डिपार्टमेंट खोलने के लिए प्रोफेसर नियुक्त किया और तब से आप वहां पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका रिसर्च वर्क अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च में फील्ड में जाकर वास्तव में जो एक अनुभवजनक अध्ययन होता है, फील्ड में जाकर विभिन्न विषयों पर आपने सूचना इकट्ठी की, डेटा इकट्ठा किया, रिसर्च की और एमफिल, पीएचडी और अनेक प्रकार के पत्रों के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। नेशनल या मैं कहूँ इंटरनेशनल फेम के समाजशास्त्री हुए डॉक्टर बी आर चौहान, प्रोफेसर बी आर चौहान, आप उनके स्टूडेंट रहे और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी चौहान साहब की स्टूडेंट रही, मेरी एमफिल डिसर्टेशन उनके साथ रही, तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें अगर गुरु भाई भी कहूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो तब हम लोग संपर्क में आए और चौहान साहब जो कि एक इंटरनेशनल फेक के प्रसिद्ध समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्रियों की जब हम अपने विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं कि कोई 2 नाम बताइए, कोई 5 नाम बताइए, कोई भारतीय समाजशास्त्रियों के 4 नाम बताइए, तो जैसे आप एम एन श्रीनिवास का नाम लेते हैं, कपाड़िया का नाम लेते हैं,
बुरिये का नाम लेते हैं, वैसे ही प्रोफेसर बी आर चौहान भी एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री थे जो कि आपके गुरु रहे। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः मैं डॉक्टर सिंह का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज इस मौके का ये मैं कहूँ कि गुरु भाई होने के नाते या परिचित होने के नाते आज के इस मौके का मैंने फायदा उठाया है अपने बच्चों के हित में। आपको आज आना था गाजियाबाद मेरे पास, तो जब मैंने देखा, जनरली जब आते थे छुट्टी का टाइम होता था तो हम लोग प्लान नहीं कर पाते थे। जब पहले से ये प्लान बना कि आप सैटरडे को यहाँ आ रहे हैं, जब आपका फोन आया कि तुम फ्री हो, मुझे सैटरडे आना है, मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, तो मैंने फायदा उठाया कि मैंने कहा थोड़ी देर बाद ही मैंने लौट कर फोन किया कि आप आइए। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा फायदा उठाना चाहूंगी अपने बच्चों के हित में, एक लेक्चर आपका हम कॉलेज में कराना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण कभी हमारे यहाँ छुट्टियाँ होती हैं, उस कारणवश हम वो नहीं करा पाते। तो आपको हालांकि शाम को आना था, शाम को संभव नहीं था हमारे बच्चों के लिए, हमें अपने बच्चों को उपस्थित कर पाना, बुला पाना। तो सबसे ज्यादा जो एक टीचर का जो सबसे ज्यादा प्रयास रहता है, मुझे लगता है वो सारा प्रयास बच्चों के हित में होता है। तो अपने स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए इन्होंने मेरी ये बात मानी कि 11 बजे से वो आपको कॉलेज में एक व्याख्यान देंगे, एक लेक्चर देंगे। और मैं समझती हूँ आपके लेक्चर से, मैंने रिक्वेस्ट की है हिंदी में, हमारे बच्चे ज्यादातर हिंदी के हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में अपनी बात कहेंगे। आप लोग समझिए, सुनिए, केवल फिजिकली यहाँ प्रेजेंट ना रहकर मेंटली भी यहाँ प्रेजेंट रहिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप ईमेल यूज करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, या संचार के और बहुत सारे साधन आप लोग यूज कर रहे हैं, आप उनके बारे में सुनते हुए अपने मन में क्वेश्चन रेज क्रिएट करिए और वो क्वेश्चन रेज करिए, आपसे अनेक प्रश्न पूछिए और आपके प्रश्नों का मैं समझती हूँ बहुत ही आसान तरीके से आपको जवाब भी मिले। इसी के साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डॉक्टर सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने लेक्चर से, अपने व्याख्यान से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें। शंभुदयाल पीजी कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर मंजू गोयल जी, चौहान जी, कमलेश जी, प्रवीण जी, रीना जी, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, अखिलेश जी, और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लंबा परिचय मंजू जी ने दे दिया, लेकिन मैं स्वयं को अभी भी एक विद्यार्थी मानता हूँ और आजीवन विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि विद्यार्थी बने रहने से जो एक जिज्ञासा है विद्यार्थी वाली, वो जीवित रहती है, और ये जिज्ञासा ही आपको अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के छात्र हैं तो बहुत गंभीर प्रश्न तो मैं ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इस स्तर पर किस तरह की अपेक्षा आपकी होती है। यद्यपि जो विषय है ये काफ़ी जटिल विषय है, साथ ही ये विषय बड़ा पॉपुलर भी है, क्योंकि आज हर आदमी इस
टर्म से या इस शब्द से परिचित है, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसके दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। और इसकी बहुत चर्चा है हर क्षेत्र में। एकेडमिक लेवल पर, राजनीति के स्तर पर, और एक सामान्य आदमी भी आज इस चीज से परिचित है। और जब कोई चीज इतनी पॉपुलर हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है, उसमें उतने ही भ्रम, संदेह और कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। आप सभी ने एक समाजशास्त्री का नाम सुना होगा अवश्य, रॉबर्ट के मर्टन। कितने लोगों ने सुना? अरे वाह, बीए वालों ने शायद नहीं सुना है, बीए के लेवल पे नहीं है ना। रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा जिन्होंने दी है, रॉबर्ट के मर्टन, उनका ये कहना है कि सबसे पहले कोई भी शब्द है उसके कई अर्थ हो सकते हैं। किसी भी विषय में सबसे पहला कार्य, आप लोग बीए के लेवल पे पढ़ते, पहला ही आता है कि इसकी परिभाषा दीजिए, और फिर आप लोग लिखते हैं मैकाइवर पेज के अनुसार इसकी परिभाषा ये है, उसके मर्टन के अनुसार ये है, पार्सन्स के अनुसार ये है, आप 8-10 ऑथर्स कोट कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये परिभाषा क्यों पूछी जाती है? परिभाषा को हम अंग्रेजी में डेफिनेशन कहते हैं, और इसका अर्थ होता है टू मेक डेफिनेट। कि कोई चीज को डेफिनेटली क्या है, वो उसको डिफाइन करना जरूरी है। अगर हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? और आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं एमए के स्तर पर, जैसे अभिजन का कॉन्सेप्ट है, एलीट जिसको हम लोग कहते हैं, सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी विषय है उसकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, कुछ जिसको हम कहते हैं उसकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, और वो सारी टेक्निकल टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। और बीए से हम आप लोग को पढ़ाना शुरू करते हैं, इसकी परिभाषा लिखो, बताओ क्या है ये, तो आप 8-8, 10-10 ऑथर्स की परिभाषाएं देते हैं कि उसके अनुसार ये, उसके अनुसार ये, फिर आप कंक्लूड देते हैं कि वास्तव में इसको हम ये कह सकते हैं। तो कोई भी टर्म है, सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या है, तभी तो आगे बात करें। और जहां तक परिभाषा का सवाल है, हम अपनी आम बोलचाल में भी देखते हैं, जो हम भाषा यूज करते हैं, भाषा में जितने भी नाउन हैं या कॉमन नाउन्स हैं, वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। और जैसे एक शब्द है संदेश, हिंदी में क्या अर्थ है संदेश का? मैसेज। और आप बंगाल में जाके कहेंगे कि जरा संदेश हमारा ये दे देना, तो वहां क्या है संदेश का अर्थ? मिठाई। तो कोई भी टर्म है उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग भाषा में अलग हो सकता है, या अलग अलग व्यक्ति उसका अर्थ कुछ अलग समझता है। तो कोई भी साइंस से आप पढ़ते हैं बीए में कि सोशियोलॉजी क्या, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो विज्ञान में हम सबसे पहला कार्य है डिफाइन करना, डेफिनेशन, कि जो भी टर्म हम यूज कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि जब हम आपस में बात करें सब्जेक्ट की, तो फिर हमें ये ना बताना पड़े कि मैं इसका अर्थ ये समझता हूं और आप इसका अर्थ क्या समझते हैं।
और एरिस्टोटल ने ये कहा था कि पहले कंसेंसस हो जाए कि उसकी डेफिनेशन क्या है टर्म की, तब डिस्कशन करेंगे, वरना मैं कुछ बोलूंगा और आप कुछ और समझेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको हम अवधारणाएं ये पढ़ाते हैं, तब आप रिसर्च के लेवल पे पहुंचे तो फिर वहां डिफाइन नहीं करना है आपको। या कहीं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं आप कहें कि सोशल मोबिलिटी होती है, तो वो ये ना पूछे आपसे ये सोशल मोबिलिटी क्या होती है, ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, एम्बुर्जुआमेंट क्या होता है। तो ये अपेक्षा की जाती है कि जो उसके प्रोफेशन के लोग हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और उसके आधार पे ही उनका इंटरेक्शन होता है। थोड़ा विषांतर हो गया, लेकिन ये भी जरूरी है समझना कि हम अवधारणाएं क्यों पढ़ते हैं, इसलिए बड़े सीरियसली पढ़िए इसको। और जब आप अगर रिसर्च के लेवल पे पहुंचेंगे तो वहां आपको एक ही डेफिनेशन देनी है, 10 नहीं देनी है, क्योंकि एक टर्म की एक ही डेफिनेशन होगी, क्योंकि टू मेक इट डेफिनेट, तो डेफिनेट तो कुछ एक ही होगा ना पर्टिकुलर। अगर आपने कह दिया कि ये भी चीज है और ये भी चीज है, तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया। एग्जैक्टली बनाना कि एग्जैक्टली ये चीज ये है। इसी तरह जो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, इससे क्या अर्थ है, क्योंकि इसके अनेकों अर्थ में इसका उपयोग लोगों ने किया है। कुछ लोग इसको मात्र आर्थिक अवधारणा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं आर्थिक से भी ज्यादा है, उसी की चर्चा मैं पहले भाग में करूंगा। और एक जटिल विषय को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि ये पहले से ही मुझे भी मालूम था कि ज़्यादातर हिंदी माध्यम के छात्र और छात्राएं हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से मैंने हिंदी में ही अपने ये वक्तव्य तैयार किया है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके साथ दो प्रक्रिया और जुड़ी हुई है, एक है निजीकरण और दूसरा है उदारवाद, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ये तीनों एक साथ 1991 में जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, और ये तीनों अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनका प्रयोग किया गया। लेकिन ये दोनों इसके साथ जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं आर्थिक रूप में अगर हम देखें तो, ये न केवल विकासशील देशों को प्रभावित कर रही हैं बल्कि विकसित राष्ट्रों को भी ये प्रभावित कर रही है। तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो ये है कि अभी तक जितनी भी परिवर्तन के कंसेप्ट या अवधारणाएँ आई, चाहे वेस्टर्नाइजेशन हो, चाहे वो संस्कृताइजेशन हो या मॉडर्नाइजेशन हो, ये ज़्यादातर विकासशील देशों से संबंधित थी। विकसित देशों को ये ज़्यादा प्रभावित ऑलरेडी कर चुकी थी या अब नहीं कर रही, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है ये दोनों को प्रभावित कर रहा है, हालांकि प्रभाव दोनों पे अलग अलग है उसका। दूसरा, विश्व स्तर पर लोगों की बढ़ रही पारस्परिक निर्भरता के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। आज हमारी जो निर्भरता है आपस में, पारस्परिक निर्भरता है, वो बहुत बढ़ रही है विश्व स्तर पर। निर्भरता तो समाज में हमेशा रहती है, आप कहेंगे निर्भरता तो हमेशा ही है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है ये विश्व स्तर की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता से संबंधित है, और इसको एकाकी वैश्विक बाजार में रहने के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। आज एक ग्लोबल मार्केट डेवलप हो रहा है,
आज मार्केट लोकल नहीं है, मार्केट है ग्लोबल। और ग्लोबल कैसे है? अमेज़न का नाम सुना, फ्लिपकार्ट, ईबे, होम शॉप, ये ग्लोबल मार्केट में हम आज कनेक्टेड है। तो हमारी जो निर्भरता है वो अब सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं है, लोकल लेवल पर भी है, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। और एक सिंगल ग्लोबल मार्केट डेवलप हो रहा है, ये सब चीजें ग्लोबल लेवल पे इंटीग्रेट हो रही है। लेकिन इसका मूल रूप से संबंध सिर्फ बाजार से नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों से है। सिर्फ एक मार्केट ही डेवलप नहीं हो रहा है, सिर्फ अर्थव्यवस्था ही परिवर्तित नहीं हो रही है, बल्कि हमारे समाज की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें परिवार भी है, जिसमें राजनीतिक संस्थाएं भी हैं, जिसमें धार्मिक संस्थाएं भी हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, जिसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो पूरे संपूर्ण समाज की जो संस्थाएं हैं वो परिवर्तित हो रही हैं या वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। परिवर्तन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल। जब संरचना में परिवर्तन होता है तो उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में दोनों ही प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज कल्चरल। वैश्वीकरण आज आर्थिक नीति का एक अभिन्न अंग है और इसके पक्ष और विपक्ष में अनेकों विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और इसके अलावा इसके विरुद्ध आंदोलन भी खड़े हुए हैं, इसका पोजिशन भी हुआ है, लोगों ने इसका विरोध भी किया, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स। लेकिन सामान्य रूप से हम ग्लोबलाइजेशन को परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जो विश्व के सभी क्षेत्रों में आर्थिक, तकनीकी, राजनीति, संचार माध्यम, संस्कृति तथा पर्यावरण आदि सभी को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित ना हो। इसके एक बड़े अच्छे विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, उनका नाम है डेविड हेल। उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है जो सर्वमान्य, लगभग सर्वमान्य परिभाषा आज मानी जा रही है। और उनके अनुसार प्रारंभिक रूप से समकालीन सामाजिक जीवन के सभी पक्षों, सांस्कृतिक से आपराधिक, वित्तीय से आध्यात्मिकता में विश्वव्यापी अंतर संबद्धता के विस्तारीकरण, गहनीकरण तथा तीव्रीकरण के रूप में विचारा जा सकता है। तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन ग्लोबलाइजेशन। आप देखते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अगर आप देखें, म्यूजिक के लिए सबसे पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है? गाना.com। और वीडियो के लिए YouTube। तो संस्कृति के क्षेत्र में जो भी, जितने भी आप फोक सॉन्ग ले लीजिए, आप ब्रज के रसिया सुन लीजिए, उस पर कुछ भी, जो भी आप सुनना चाहें सब YouTube पे आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट। आप किसी विद्वान का लेक्चर सुनना चाहें वो भी मिल जाएगा। और यहां से लेके आपराधिक
स्तर तक अपराधी भी ग्लोबलाइज्ड हैं, वो हैक कर लेते हैं वेबसाइट, साइबर क्राइम सुना होगा, तो क्राइम भी ग्लोबल हो गया। फाइनेंशियली सब चीज़ें आज ग्लोबल है, और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता भी ग्लोबल है। जितने भी बाबा जी हैं सब ने अपनी वेबसाइट खोल ली, सब अपलोड कर दिए अपनी प्रवचन, तो जब भी मन करे सुन लो आप। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो ग्लोबल ना हो, लेकिन ये जो वैश्विकता अंतः संबद्धता हो रही है, इसका तीन इम्पॉर्टेंट चीज बताई है। एक तो विस्तारीकरण, जिसको हम कहते हैं वाइडनिंग, और दूसरा है डीपनिंग। ये बहुत डीप हो रही है, हमारी लाइफ को बड़ी गहराई से प्रभावित कर रही है। अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो इसलिए लोग आप पावर बैंक लेके चलते हैं कि भाई ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की सारी गतिविधि इससे जुड़ गई है, इतनी डीपली ये एंटर कर गया है। ये ग्लोबलाइज है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही डिवाइस है फोन जो है। और तीसरा है स्पीडिंग अप, स्पीड है इसमें, गति है, और गति तो इतनी है कि इंस्टेंटली चीजें हो जाती है, तुरंत क्या व्हाट्सएप कर दो मुझको, अरे स्कैनर नहीं, अरे फोटो लेके कर दो ना व्हाट्सएप, इसके अंदर की क्या जरूरत है, सीधा फोटो लो और मुझको अटैच करके भेज दो। फेसबुक से यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो इसमें तीव्रता है, गति है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो विस्तारीकरण हो गया कि लोकल लेवल तक नहीं है आज इंट्रैक्शन, आपकी अंत्यक्रिया लोकल नहीं है, लोकल तो है लेकिन सीमित नहीं है। पहले गांव के आदमी को पता ही नहीं होता था गांव से बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आज सारी खबर रहती है उसको। ये बड़ा भारी परिवर्तन आया संचार के क्षेत्र में, और भारतवर्ष के लिए एक वरदान है, क्योंकि हमारे गांवों को अभी तक कनेक्ट करने का कोई साधन नहीं था, ना तो सड़कें थी, ना रेलवे से कनेक्टेड थे, ना कोई समुद्री मार्ग से कनेक्टेड थे, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं थी, कम्युनिकेशन किया, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो अखबार नहीं पढ़ सकते थे, रेडियो आया तो पहले बड़ा महंगा था, लाइसेंस लेना पड़ता था। खैर रेडियो काफ़ी प्रसार हुआ गांवों में उसका, जब वो ट्रांजिस्टर फॉर्म में आया, वो एक अलग विषय संचार की कभी चर्चा करेंगे तो एक अलग क्षेत्र है। सिनेमा, सिनेमा भी अर्बन बेस्ड रहा, टेलीविजन आया वो भी बहुत समय तक अर्बन बेस्ड रहा, अब जाकर वो गांवों तक पहुंचा है, लेकिन जब फोन आया सेल फोन बहुत तेजी के साथ गांवों में ये पहुंच गया। आज करीब दो इम्पॉर्टेंट संचार की चीज़ें, टेलीविज़न और एक फ़ोन, इसने लगभग 100% कनेक्टिविटी भारतवर्ष में कर दी है संचार के क्षेत्र में, और इसके दूरगामी परिणाम चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे हम विकास की बात करें, अब विकास तेजी से भारतवर्ष में होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। ये सब अलग विषय में इसमें नहीं जाना चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको इसका कितना बड़ा स्कोप है। और संचार भी ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल कम्युनिकेशन, लेकिन इस पक्ष पे तो सभी लोग सहमत हैं। डेविड हेल्ड के, डेविड हेल्ड ने कहा कि इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि ये वैश्विक स्तर पर इंटरकनेक्टिविटी बढ़ रही है, सभी विद्वान इससे सहमत हैं, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन इसके आगे लोगों में सहमति नहीं है, तो उन्होंने कहा तीन
तरह की श्रेणियों में हम विद्वानों को रख सकते हैं, या कहते हैं कि तीन तरीके से लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है, और तीनों को उन्होंने एक श्रेणीबद्ध करते हुए तीन श्रेणियों के विद्वान बताए हैं। पहले विद्वान वो हैं, मैं समाजशास्त्री शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन सिर्फ समाजशास्त्र के लोग नहीं करते, वो भी करते हैं, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, साइंस के लोग भी इसको अध्ययन कर रहे हैं, पर्यावरण के लोग भी इसको करते हैं। इसलिए एक चर्चा अभी मैं दो दिन पहले JNU में एक सिलेक्शन कमेटी में गया था, तो वहाँ एक प्रोफेसर की सिलेक्शन कमेटी थी, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, वो सेंटर था साइंस पॉलिसी का, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे उनका काम था। तो मैंने कहा ना, मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूँ, एक नई चीज मुझे पता लगी, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो उन्होंने कहा कि अब एकेडमिक की बात नहीं हो रही, जो हम एकेडमिक्स और एक डिसिप्लिन की, समाजशास्त्र एक डिसिप्लिन है, इसकी अलग एकेडमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग थियरीज हैं, और इकोनॉमिक्स वाला जो है पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता, पॉलिटिशियंस वाला सोशियोलॉजी नहीं जानता। बोले अब हम ये भी ट्रांसफॉर्म हो रही है एकेडमिक्स, और पोस्ट एकेडमिक्स की उन्होंने बात की कि जो पुरानी एकेडमिक्स है वो खत्म हो रही है, हम नई एकेडमिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो एकेडमिक्स है वो ग्लोबलाइजेशन की जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसी से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरिटी। अब एक डिसिप्लिन का जमाना नहीं है कि आपने समाजशास्त्र पढ़ लिया छुट्टी हो गई, आप विद्वान हो गए, नहीं। विद्वता के लिए ग्लोबलाइजेशन को अगर समझना है तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको यूज करनी पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं, पहले से एक अप्रोच है इंटर डिसिप्लिनरी, वो तो है हमारे पास, नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इंटर डिसिप्लिनरी अलग है, मल्टी डिसिप्लिनरी अलग है। इंटर डिसिप्लिनरी का अर्थ है कि दो डिसिप्लिन के बीच क्या संबंध है उसको समझा जाए, जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो दो डिसिप्लिन के बीच जब हम संबंध देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंटर डिसिप्लिनरी। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी का अर्थ है कि एक से अधिक विषयों के विद्वान बैठें और किसी चीज को समझने की कोशिश करें। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी ही अवधारणा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही इसको समझ सकते हैं। एक और अवधारणा है, एक और प्रक्रिया है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, वो है विकास, डेवलपमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको किसी एक विषय से आप नहीं समझ सकते, क्योंकि विकास की जब हम बात करते हैं तो हमें पर्यावरण भी समझना पड़ेगा, हमें पॉल्यूशन की समस्या भी समझनी पड़ेगी, टॉक्सिसिटी की समस्या भी समझनी पड़ेगी, उसमें सारी साइंस आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी, इकोलॉजी आ जाएगी, तो सिर्फ सोशियोलॉजी से काम नहीं चलेगा। तो सभी विषयों के विद्वान बैठे और विचार करें, इसलिए मैं विद्वान शब्द यूज कर रहा हूं। तो तीन तरह के विद्वान उन्होंने बताए। पहले विद्वान को उन्होंने कहा हाइपर ग्लोबलाइजर्स, हाइपर ग्लोबलाइजर्स, हिंदी में उसको कहेंगे अतिशयवादी। और अतिशयता का अर्थ समझते हैं कि बड़ा चढ़ा के किसी को बताया जाए तो अतिशयवाद कहलाएगा वो, कि भाई जो है नहीं उससे ज्यादा बता रहे हो। और दूसरे हैं संशयवादी, इनको कहते हैं स्केप्टिक्स अंग्रेजी में, स्केप्टिकल है जो किसी से बचने की कोशिश करे कि
या उनको हम संशयवादी कहते हैं, इनको संशय हो कि ये ऐसा है भी कि नहीं है, संदेह इनको है इसके बारे में। और तीसरे रूपांतरणवादी ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट, ये तीन तरह के विद्वान उन्होंने बताए। तो अतिशयवादी विद्वान क्या सोचते हैं इसके बारे में, इन विद्वानों का ये मानना है कि वैश्वीकरण मानव इतिहास में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये तो एक नया युग आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, और आपने कई जगह दिखा हो इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ईरा एक युग। हमारे हिंदी माइथोलॉजी में चार युग बताए हैं पूरे मैनकाइंड के, कौन कौन से कोई बताओ? हिंदुओं में कौन से चार युग बताए गए? अब कौन सा चल रहा है? कलयुग। और ये भी कहा जा रहा है कलयुग समाप्त हो गया 2000 में, अब दोबारा सतयुग आएगा। पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं, पर ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो ये भी एक युग है, युग का मतलब बड़े लंबे काल तक चलने वाली कोई प्रक्रिया। तो अतिशयवादियों का कहना है, बड़े ऊंचा बहुत आगे तक का सोच रहे हैं कि ये तो एक नए युग की शुरुआत है। तो अगर एक नए युग की शुरुआत है तो इससे पहला युग क्या था, ये भी सवाल उठेगा ना, क्योंकि कौन सा युग समाप्त हुआ और कौन सा युग आया। तो उनका ये मानना है अतिशयवादियों का, एक युग समाप्त हो गया, और वो युग क्या है? आधुनिकता का युग, आधुनिक युग। और वैसे भी हिस्ट्री में आप देखें तो तीन में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, बताइए कौन कौन से होते हैं? हाँ, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो अब कौन सा युग चल रहा है? मॉडर्न। लेकिन इनका कहना कि मॉडर्न खत्म हो गया। अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मॉडर्न का युग खत्म हो गया, तो फिर क्या युग आएगा? तो उनका अब ग्लोबलाइजेशन आएगा। इसका अर्थ है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अगर इनकी बात माने। और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? आधुनिकता से। किसमें हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन, एक नए युग की शुरुआत जिसमें सभी प्रकार के संबंध राष्ट्र राज्यों से ऊपर उठकर विश्व स्तर पर एकीकृत हो रहे हैं। अब तक तो राष्ट्र राज्य तक नेशनलिटी की बात हो रही थी, आप कौन हो? अमेरिकन। आप कौन है? चाइना। ये राष्ट्र थे, राष्ट्र राज्य। और इससे ऊपर उठ के आज एकीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें निरंतर अप्रासंगिक बना रहे। राष्ट्र राज्य जो है वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, अर्थात अब राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट जो है बहुत रेलिवेंट नहीं रह गया, क्योंकि जो प्रक्रियाएं राष्ट्र से बाहर हो रही हैं, पूंजी, पहले पूंजी जो थी वो एक जगह स्थिर थी, स्थिर थी पूंजी। और कैसे थी? किसी राष्ट्र में आपने कोई उनकी फैक्ट्री है या उनकी कोई उद्योग है, उस राष्ट्र के अंदर ही वो कार्य करता था। उसके बाद भले ही वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, लेकिन उसका जो ऑपरेशन था विद इन कंट्री था। ये खत्म हुआ, पूंजी क्या हो गई? ग्लोबल। और जो कंपनियां इनको हम कहते हैं आज मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल किसी एक कहीं उनका एक वो ही नहीं है, सेंटर नहीं नहीं है, डिसेंट्रलाइज हो गई। जो मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो इंडिया के हिसाब से कर रही है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रही है। मान लो कार बनानी है तो उसका स्टीयरिंग व्हील किस साइड में होगा? लेफ्ट में के राइट में? राइट में।
लेकिन अगर जापान में बनानी है तो उनकी प्रोडक्ट भी कंट्री के हिसाब से होगा। ये मल्टीनेशनल है, जैसी नीड वैसे ही प्रोडक्ट, और वही देखेंगे कि वही फ़ोन यहाँ मिलेगा 10,000 का, अमेरिका जाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा, 50-60,000 का मिलेगा, क्योंकि वहाँ के हिसाब से प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ वो चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाएगी, या वो प्रोडक्ट ऐसी बनाएंगे कि सस्ती वाली, लेकिन वो भी एक लेवल है। ब्रांडेड अगर ले रहे हैं तो उसका तो करीब करीब ऐसे ही आएगा, तो फिर क्या अगर भाई चाइना वाली ले लो, सस्ती लेनी तो फिर चाइना की ले लो। ऐसे भी ब्रांड है चाइना के जिनकी कोई गारंटी नहीं है, कि गारंटी कोई नहीं है, आप ले जाओ अपने रिस्क पर, लेकिन सस्ती है, कुछ दिन चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो पूंजी, पहली चीज़ है पूंजी, ये समझ लीजिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये चार चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन में, ये ग्लोबल है, ये पूंजी। दूसरा वस्तुएं, प्रोडक्ट्स, उद्योग में पूंजी होती है, प्रोडक्ट होती है। और तीसरा है व्यक्ति, पर्संस। आज की व्यक्ति भी ग्लोबल है। और विचार, जो आइडियाज, आइडियाज भी लोकल नहीं है, और इनमें निरंतर क्रॉस बॉर्डर फ्लो, ये टर्म यूज अंग्रेजी में होती है, जिसको कहते हैं सीमा के पार इनका प्रवाह, इस युग को दो श्रेणियों में, दो उपश्रेणियों में रखा जा सकता है। नंबर एक, दो प्रकार के अतिशयवादी हैं हाइपर ग्लोबलाइजर्स, एक है पॉजिटिव और दूसरे है निगेटिव। पॉजिटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स या सकारात्मक अतिशयवादी ये मानते हैं कि खुले विश्व बाजार की वकालत करते हैं। वो कहते हैं बाजार खुला होना चाहिए, उदार होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और जो रोक टोक है उनको हटा दीजिए आप, वही काम हम लोग कर रहे हैं FDI के लिए, सब ओपन कर रहे हैं चीज़ें। और ये मानते हैं कि यह प्रक्रिया भविष्य में चरम आर्थिक वृद्धि की गारंटी देगी। अगर आप अपना ओपन कर देंगे, ओपन कंपटीशन में आ जाएंगे, तो इससे चरम आर्थिक वृद्धि होगी। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि ग्रोथ रेट कम हो गया है, हम लोग के यहाँ 6% के करीब हो गया है, 5.8 से 7 point से लेके थोड़ा घट रहा है। कह रहे नहीं फिर हमारा बढ़ जाएगा, डीमोनेटाइजेशन में कम हुआ है, थोड़ा GST की वजह से कम हुआ है, लेकिन ये बढ़ेगा आगे चल के। और हम कल्पना करते हैं कि डबल डिजिट में जब ग्रोथ आ जाएगी तो अच्छी ग्रोथ उसको मानेंगे। चाइना की करीब 15% ग्रोथ है इकोनॉमी की, पर हमारी 7 से नीचे है। 1991 ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारी ग्रोथ कभी 3 से ऊपर नहीं हुई। तो ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारी आर्थिक वृद्धि की दर है वो 3 से बढ़ के करीब 7.5 या 8 तक पहुंच गई, उसके बाद ये फ्लक्चुएट कर रही है। देखिए आज आप समाचार पढ़ रहे तो थोड़ी इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ेगी, तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें। वो ये कहते हैं कि जब आर्थिक वृद्धि की दर बहुत बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में सबके जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। तो पहला सुधार तो आ ही गया, एक सबके पास एक फोन हो गया। 3 से जब हम 7 या 8% पे पहुंचे तो फोन तो करीब करीब सबके पास आ गया। और लेक्चर में मेरा फोन जरूर बजता है। तो ये इसका मतलब बड़े पॉजिटिव इनके विचार है कि अगर आर्थिक वृद्धि की दर में बहुत तेजी से वृद्धि होगी तो सबके जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये कुछ थोड़ा हाइपरबोल टाइप लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये थोड़ा सा हाइपर है। दूसरी तरफ है निगेटिव हाइपर ग्लोबलाइजेशन,
निगेटिव जैसा कि वो निगेटिव सोचेंगे, उनका क्या कहना है। इसमें मेनली अभी एमए के स्तर पर शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्रिटिकल थियरिस्ट है सोशियोलॉजी में, ये मार्क्सिज्म की एक ब्रांच है क्रिटिकल थियरी। जो क्रिटिकल थियरिस्ट हैं, एक तो वो आते हैं इसमें, दूसरे हैं नियो मार्क्सवादी, या प्रमुख रूप से प्लीज नो साइड टॉक्स। बेटा आप लोग बेटा बिल्कुल भी बात नहीं करो, सुनो, नहीं तो फिर मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। मुख्य रूप से इसका विरोध करने वाले मार्क्सवादी चिंतक हैं, और उसमें भी प्रमुख से दो क्रिटिकल थियरिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट, नव मार्क्सवादी। तो मैंने शुरू में बताया ना कि ये टर्म जो है, क्योंकि आप सब्जेक्ट के तो आप सब जानते ही होंगे, तो उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और सबसे आसान तरीका क्या है, आज का जो टीचर है वो हम लोग नहीं है, गूगल है। गूगल गुरु पे जाके देख लीजिए इसका अर्थ क्या है। तो टर्म जो समझ में ना, नोट कर लीजिए और जाके वहां देख लीजिए इसका अर्थ क्या है, पढ़िए। पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का युग इस बात का द्योतक है, सिर्फ आप अपने अचीवमेंट के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाला युग और कंपटीशन का युग आएगा, और कंपटीशन लोकल लेवल पे नहीं है, ग्लोबल लेवल पर है। आपको ग्लोबल लेवल पे कंपीट करना पड़ेगा मार्केट में। और मैक्स वेबर का ये कहना है कि मार्केट सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट, कि बाजार में आप कि क्या कोई पूछ है या नहीं। तो मार्केट सिचुएशन क्या है आपकी, वो आपकी क्लास को निर्धारित करेगी। तो आपको जॉब किससे मिलेगा, मार्केट सिचुएशन, उसकी भी मार्केट है कि नहीं इसकी, ये पूछते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं कि साहब इसका स्कोप क्या है, एमए तो कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, कोई स्कोप है इसका, मतलब बाजार में इसकी कोई है कीमत के नहीं, जॉब कहाँ मिलेगी। और मार्केट सिचुएशन के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी, क्योंकि अब जो सोसाइटी आ रही है उसके लिए दो टर्म यूज कर रहे हैं, एक है इंफॉर्मेशन सोसाइटी और दूसरा है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब जो समाज आ रहा है वो ज्ञान पे आधारित समाज है, आपको ज्ञान नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं। आप अब ये फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज सर्विसेज, नॉलेज वर्कर्स। तो मार्क्सवादियों को तकलीफ इसी से सबसे बड़ी है, क्योंकि वर्कर की प्रकृति बदल गई, उसकी नेचर बदल गई। पहले वर्कर था मैनुअल, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, अब एक नई कैटेगरी आई, नई क्लास समझ हुई, जिसको कहते हैं नॉलेज वर्कर्स। ये जो बीपीओ में काम कर रहे हैं, जो ये कस्टमर केयर पे आपके फोन की अटेंड करते हैं, ये है नॉलेज वर्कर्स, क्योंकि इनको कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी नॉलेज है, ओनली देन दे विल गेट द जॉब। तो अगर आप नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आपकी कोई वैल्यू नहीं। और अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, कई गांव के बच्चे हैं जिन्होंने सीख लिया कंप्यूटर और उसके बाद अच्छी जॉब मिल गई। तो आज देखो, एक तो गांव और शहर का भी अंतर खत्म कर रहा है ये, तो जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो मैं बताऊंगा उसका क्या हुआ, आगे बताऊंगा। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए वैश्वीकरण की अवधारणा को पूर्ण रूप से अस्वीकृत करते हैं। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं ये बकवास है, कुछ नहीं है ग्लोबलाइजेशन, दे रिजेक्ट इट। तो ये निगेटिव हाइपर ग्लोबलाइजेशन है, ये भी अतिशयवादी है लेकिन ये निगेटिव सेंस में है, इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन कुछ है नहीं, जबकि गलत है ये। दूसरे हैं संशयवादी, ये कहते हैं कि नहीं ये तो आर्थिक प्रक्रिया है, और प्रथम विश्व युद्ध के समय भी ग्लोबलाइजेशन था, इस तरह का इंटरनेशनलाइजेशन,
वो ग्लोबलाइजेशन को वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं ये इंटरनेशनलाइजेशन है, नॉट ग्लोबलाइजेशन। तीसरे जो रूपांतरणवादी है, शायद ये लगभग काफ़ी ठीक इनकी पोजीशन है, और मैं व्यक्तिगत रूप से तीसरी श्रेणी के विद्वानों को सही मानता हूँ। यह है रूपांतरणवादी ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट, जो कह रहे हैं कि आज सभी प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है, और जो विश्व के सभी व्यक्तियों का आभासी रूप से प्रभावित कर रही है। आभासी मतलब वर्चुअली, वर्चुअल रिलेशनशिप। वर्चुअल रिलेशनशिप क्या है? आभासी है, वो वास्तविक नहीं है। जैसे आप फेसबुक पर वर्चुअल फ्रेंड्स बना लेते, आप कभी मिले नहीं, जानते नहीं, फोटो देखा, उसका थोड़ा प्रोफाइल देखा, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसने भी एक्सेप्ट कर ली, उसने आपका प्रोफाइल देखा, अरे चलो ठीक है कर देते हैं। और फिर क्या होता है, कई बार मुसीबत में भी फंस जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इनबॉक्स में आपको कुछ भेजना शुरू कर देता है फेसबुक पर, आप परेशान हो जाते हैं, इसने परेशान कर दिया, तो फेसबुक ने वो भी प्रोविजन दिया कि ऐसा ब्लॉक कर दो इसको आप, या हमको रिपोर्ट कर दो, हम डिलीट कर देंगे उसका अकाउंट। उसके भी मैकेनिज्म हैं, लेकिन ये जो है ये वर्चुअल रिलेशनशिप, ये नई एक अवधारणा ग्लोबलाइजेशन के साथ है, वही कनेक्टिविटी है। फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अमरीका के हर आदमी को जान जाएं, लेकिन आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ये जो चीज़ें हैं इसके माध्यम से आप, लगता आप लोग थक गए कहाँ फंसा दिया आज आप लोग तो रूपांतरणवादी कह रहे हैं कि ये वर्चुअली जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में, और प्रशासन के क्षेत्र में। आप ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, बेटा साधु से कोई शांति रखो, बातें ना करो तो गवर्नेंस भी आज ई गवर्नेंस है। जैसे आज आपको कोई कंपटीशन का फॉर्म भरना है, तो पहले क्या होता था, फॉर्म लाओ, मंगाओ डाक से, फिर वो आएगा, फिर एक पोस्टल ऑर्डर बनाओ, ड्राफ्ट बनाओ, उसके साथ लगा के भेजो, फिर वो पोस्ट करके आओ तो वो पहुंचेगा, और लास्ट डेट निकल गई तो बेकार सब मेहनत, फॉर्म भरने में भी पूरा एक दिन लग जाता है। अब क्या होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप बैठिए कट 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 भर के सबमिट, पेमेंट ऑनलाइन कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो, डेबिट कार्ड से कर दो, पेटीएम से कर दो, इसके अलावा और भी हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज भी आप उससे कर सकते हैं। अब ये जो मैं बहुत बीच में नहीं जाऊंगा, मैं समझ रहा हूं आप लोगों का कि आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूं। आवाज मत कीजिए जो है, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल कीजिए। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारी चीज मैंने छोड़ दी, हो सकता है आपके पल्ले भी ना पड़े लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो
आपको समझ लेनी चाहिए और इसी से पता लगेगा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या परिणाम हमारे लिए हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप पर भी और समाज के लिए भी। एक टर्म है ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को समझना है तो हमको ये समझना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करती है और इसके माध्यम से हम इसकी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी केंद्रीय गतिविधियां एक इकाई के रूप में वास्तविक समय में भूमंडलीय स्तर पर कार्य करती हैं। आज जो इकोनॉमी है प्लेनेटरी लेवल पे काम कर रही है। प्लेनेटरी मतलब पूरे जो प्लेनेट है, प्लेनेट अर्थ, इस लेवल पे काम कर रही है अर्थव्यवस्था, जिसके कारण पूंजी बाजार विश्वव्यापी स्तर पर अंतर संबद्ध इंटरकनेक्टेड रहते हैं और जिससे इन देशों में बचत तथा निवेश अपने कार्य संपादन हेतु वैश्विक वित्तीय बाजारों के उद्विकास तथा व्यवहार पर निर्भर करते हैं। तो आज जो मार्केट है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और ये इंटरकनेक्टेड है। मतलब आज जो फाइनेंस है वो किसी देश तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप फाइनेंस के लिए ग्लोबल लेवल पे लोगों से पैसा ले सकते हैं पूंजी। बस ये है कि उसका स्कोप होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लोग निवेश करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आज हम बात कर रहे हैं एफडीआई, और आपका सेमिनार भी एफडीआई पर ही था पिछले वाला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूंजी है नहीं हमारे पास तो विकास कहाँ से होगा, उद्योग कहाँ से लगाएंगे, तो क्या कहाँ से लाएं पूंजी, विदेश से। हमारे पास क्या है, लेबर है ना, तो पूंजी के साथ क्या चाहिए, लेबर। हमारे पास लेबर है, पूंजी नहीं है। कुछ लोगों के पास पूंजी है और लेबर महंगा है, हमारे यहाँ लेबर सस्ता है। तो किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लेबर सस्ता है तो पूंजीपति अपना पूंजी वहाँ लगाने की क्षमता रखता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ग्लोबल है, वो प्लेनेटरी लेवल पे वर्क कर रहा है। अब जो पूंजी किसी राष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल है, मल्टीनेशनल, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहे हैं। उत्पादन, सेवा और वित्तीय क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्भाग या कोर का निर्माण करती हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी की जो कोर है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के उच्चतम स्तर जो सकल टेक्नोलॉजिकल विकास को नियंत्रित करते हैं और इसे एक निश्चित आकार देते हैं, उनका केंद्रीकरण विश्व के कुछ दर्जन रिसर्च सेंटर पर है। आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च है वो करीब विश्व के एक दर्जन सेंटर्स तक ही है जो हाई लेवल की है, और भारत, चीन या और जो दूसरे देश हैं इनके जो साइंटिस्ट हैं जब एक उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं तो अपने देश में वो काम नहीं कर पाते क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, ऐसे सेंटर ही नहीं है आपके यहाँ, ऐसी रिसर्च लैब्स ही नहीं है। तो क्या वो करते हैं, वो या तो फिर वहीं चले जाते हैं, नासा में चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, या अपने को उससे कनेक्ट कर लेते तभी वो आगे का काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हाई लेवल के स्किल्स हैं, अगर हम साइंटिस्ट को हम माने हाई लेवल के वर्कर्स हैं, वो ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं और अधिकतर रोजगार तथा व्यक्तियों का, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो कुछ लोग ग्लोबल हो गए लेकिन ज्यादातर लोग ग्लोबल नहीं है, वास्तव में वे या तो स्थानीय हैं या क्षेत्रीय हैं, परंतु उनके व्यवसाय, उनके भाग, उनकी जीवन शैली
आदि अंततः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकृत सेक्टर पर या पूंजी उत्पादन एवं व्यापार के भूमंडलीकृत नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। तो सारे लोग ग्लोबल नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं विश्व में जो ग्लोबल है, बाकी लोग या तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय हैं या स्थानीय हैं, वो ग्लोबल नहीं है। लेकिन उनका भी जो भाग्य है, उनका भी जो व्यवसाय है, उनकी भी जो जीवन शैली है, वो किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा भाग ग्लोबलाइज्ड हो गया उस पर निर्भर करती है। और हमारी अर्थव्यवस्था का शायद अभी 3% ही ग्लोबलाइज्ड है, तब इतना इम्पैक्ट है 3% से। लेकिन आपका जीवन इनडायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हो रहा है। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से नई है, पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं। जो कहते हैं ना कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम भी ग्लोबलाइजेशन था, वो गलत है, ऐसा नहीं था। ये नई व्यवस्था है, ऐतिहासिक रूप से नहीं रही। क्यों नहीं वो भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले 2 दशकों में इसने भूमंडलीय स्तर पर एक इकाई के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक टेक्नोलॉजिकल आधारभूत ढांचा खड़ा कर लिया है। पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो आज है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, सूचना तंत्र, इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर आधारित उत्पादन एवं प्रोसेसिंग, सूचना पर आधारित वायु यातायात, कंटेनर कार्गो यातायात, उच्च वेगीय रेल सेवाएं। हमारे अभी स्पीड ट्रेन की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाएं इत्यादि। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पिछले 30-35 वर्षों में ये विश्व स्तर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आज जो कार्गो सर्विस है, आज जो आप कोरियर सर्विस है, या कोई भी चीज है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है, चाहे ईमेल से मिले, चाहे एसएमएस से मिले, या किसी और तरीके से मिले। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कंसाइनमेंट कहाँ है। अगर आपका कोई लेटर नहीं पहुंचता तो आप कहते हैं भाई जरा उसका बताओ क्या है डॉकेट नंबर, और फिर आप इंटरनेट पे वेबसाइट पे जाके उसको ट्रैक कर लेते हैं। आपको पता लग जाता है कि यहाँ से यहाँ, वो टाइम बता देगा, इतने टाइम से यहाँ, इतने टाइम पे वहाँ, इतने टाइम पे वहाँ। ये जो डेवलपमेंट है, सूचना तंत्र, मैंने कहा ना संचार और ग्लोबलाइजेशन जुड़े हुए हैं, उसको हटा दीजिए ग्लोबलाइजेशन धड़ाम, कुछ नहीं बचेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी इससे डेवलप हुई है। फिर भी यदि हम मान लें कि नई भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व को आच्छादित कर दिया, फैल गई है पूरे विश्व में, और प्रत्येक स्थान और सभी क्षेत्र इसकी कार्यप्रणाली से प्रभावित हो भी जाते हैं, तो प्रत्येक स्थान, प्रत्येक व्यक्ति इसमें सीधे सम्मिलित नहीं हो सकता। फिर भी पॉसिबल नहीं कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं उसमें। वास्तव में अधिकतर लोग और अधिकतर भूभाग या तो उत्पादनकर्ता के रूप में अथवा उपभोक्ता के रूप में अथवा दोनों रूप में इससे या तो अलग हो जाते हैं या इससे बाहर हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इससे बाहर हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आपका नहीं है कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस नई भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की प्रकृति लचीली है, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। इसका यह लचीलापन पूरी व्यवस्था को हर उस वस्तु को जोड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है जो प्रभुशाली मूल्यों और हितों के अनुसार मूल्यवान है। ऐसी कोई भी चीज जो वैल्यूएबल है ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको ये तुरंत कनेक्ट कर लेता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। अगर पता लगा कि आपके पास कोई बड़ी उपयोगी चीज, तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। हमें पता लगा आपके पास ये है, आप हमको अवेलेबल करा दीजिए। आप अमेरिका से, जापान से आपके पास प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे। आप बोले यार मैं तो किसी को बता नहीं, इनके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। पता लगा कि आप जो ब्राउज कर रहे थे कोई चीज़, आपकी ब्राउजिंग हैबिट से उनको कुछ आभास लगा और उन्होंने आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी और आपको प्रपोजल देने शुरू कर दी। आप देखते ना कि जब आप फेसबुक पर कोई आप डालिए,
उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट बगल में आने शुरू हो जाएंगे या वो ग्रुप सजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसका आपकी हर एक्टिविटीज सर्विलांस हो रही है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्विलांस में। उसके अलग खतरे हैं, वो अलग चीज है, अलग विषय है। लेकिन अगर कोई चीज वैल्यूएबल है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। इट मींस बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रूल रेगुलेशन ये सब कुछ नहीं, तुरंत प्रपोजल आपके पास, हाँ भी क्या चाहिए आपको, तुरंत अवेलेबल हो जाएगा आपको, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वैल्यूएबल होना चाहिए, अगर वैल्यूएबल नहीं है तो फिर उल्टा होगा। और साथ ही हर उस वस्तु को असंबद्ध करने की क्षमता है जो जिसकी वैल्यू समाप्त हो गई है, जो मूल विहीन हो गई है, जिसका कोई मूल्य नहीं रहा है। जैसे पोस्ट ऑफिस के सामने बहुत बड़ी क्राइसिस है, अभी कल के अखबार में क्या लिखा था, अब पोस्ट ऑफिस से क्या बेचेंगे, वो कुछ बेचने की बल्ब और ये पंखे वगैरह बेचेंगे, ये नौबत आ गई। क्यों आ गई, वैल्यू खत्म हो गई। कौन आज लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल रहा है, किसी को रजिस्ट्री कौन भेज रहा है, नहीं। स्पीड पोस्ट बेकार हो गई, स्पीड पोस्ट का कोई महत्व ही नहीं रह गया, कौन कर रहा है स्पीड पोस्ट, जब तक कि कोई बहुत ऐसी ना हो कि आपको कागज में ही भेजनी हो चीज, जिसमें आपके ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए, वो स्पीड पोस्ट ही उससे आ रही है। तमाम बैंक वाले कह रहे हैं कि स्टेटमेंट आप अपना ईमेल पे ले लीजिए, उसके चार्जेस भी करने शुरू कर दिए अगर आपको मंगाना है बाय पोस्ट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चीज वैल्यू डीवैल्यूड हो गई, वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल इकोनॉमी से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो इसलिए आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। भूमंडलीकरण की इस प्रकार की चुनावपूर्ण और विखंडीकृत प्रक्रियाएं हमारे समाज के अन्य पक्षों में, ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें मीडिया, साइंस, कल्चर, इंफॉर्मेशन, ये सारे क्षेत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। जहाँ तक भूमंडलीकरण के राजनीतिक पक्ष का प्रश्न है, इस क्षेत्र में इसके प्रभाव को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस बहस का प्रमुख केंद्र इस प्रश्न पर है कि क्या भूमंडलीकरण के फलस्वरूप राष्ट्र राज कमजोर हो जाएंगे। ये एक बड़ी डिबेट है पॉलिटिकल साइंस के बीच की, नेशन स्टेट का क्या हुआ, ये काफ़ी हाई लेवल की डिबेट है, मैं उसमें आपको नहीं ले जाना चाह रहा। अब सूचना युग का प्रमुख संगठनात्मक स्वरूप जो है वो नेटवर्किंग है, उस पर आ जाते हैं। आजकल क्या जमाना है नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग क्या है, इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विभेद यह है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र या गतिविधि इस नेटवर्क से जुड़ी है कि नहीं। मैंने बताया चार चीजें, व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र और गतिविधि, ये परस्पर जुड़ी है कि नहीं। यदि आप नेटवर्क में हैं तो आप भूमंडलीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप नेटवर्क में हैं तो आप जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं, और आपके अवसरों की, जीवन के अवसरों की वृद्धि हो जाएगी अगर आप जुड़े हुए हैं, लाइफ चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, और परंतु यदि आप इस व्यवस्था से बाहर हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूडेड। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कुछ लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, कुछ लोग इंक्लूड हो रहे हैं। और एक्सक्लूडेड कैसा होता है व्यक्ति, उसका उदाहरण बता देता हूं। जैसे आप अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो गए, पागल। सही कहा, बिल्कुल पागल हो जाएंगे। स्विच जो करेगा तो कहेंगे पागल है क्या, स्विच ऑफ कर रखा है फोन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, आई एम वेरी हैप्पी, पागल हो गए। तो आप बताओ
कि आप इंक्लूडेड होना चाहोगे कि एक्सक्लूडेड? तो इंक्लूडेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन ग्लोबल है, लोकल भी नहीं है, तो इसलिए लेक्चर ध्यान से सुनना पड़ेगा। तथा आपके जीवन अवसर समाप्त होते जाएंगे, लाइफ चांसेस समाप्त, फिनिश्ड, क्योंकि इस व्यवस्था में हर वस्तु जो मूल्यवान है एक अंतःक्रियात्मक विश्वव्यापी वेब के इर्द गिर्द संगठित है। जो लोग कहते हैं, जो स्केप्टिक्स ने कहा ना कि कुछ नहीं, ये इंटरनेशनलाइजेशन ने पहले भी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, अब दोबारा हो रहा है, कहते नहीं सेकेंड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, गलत है, रॉन्ग। क्यों गलत है? कि जो पूरी विश्व की व्यवस्था है किस चीज के इर्द गिर्द संगठित है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वर्ल्ड वाइड वेब, रोजाना यूज कर रहे हैं आप लोग इसका। www, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस किससे शुरू होता है? www, www का मतलब यही है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मीन्स नेटवर्क, और कैसा नेटवर्क? वर्ल्ड वाइड, जो आपको ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट कर देता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब था ही नहीं पहले, ये कहां से आया? इसके लिए थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो साइंस के बारे में जानते हैं, एक सैटेलाइट क्या होता है? वो पूरे पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, और सबसे पहला सैटेलाइट जो संचार के क्षेत्र में भारत ने छोड़ा था वो था इनसेट बी के बाद ही हमारे यहाँ संचार क्रांति आनी प्रारंभ हुई, और उसके माध्यम से आप जो पहले STD जो कॉल आती थी वो उसी के माध्यम से आती थी। अब तो इतने हमारे, हम लोग इतने एडवांस हैं, हम तो दूसरे कंट्री के उपग्रह छोड़ रहे हैं, तो वी आर वेरी एडवांस्ड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाउ। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि 24/7 की जो कनेक्टिविटी है, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से सैटेलाइट उसके साथ साथ घूमता रहता है, दोनों की स्पीड बराबर है। तभी अगर वो यहां फोकस कर रहा है गाजियाबाद में, तो लगातार गाजियाबाद पे फोकस रहेगा उसका सैटेलाइट का, तो आपका जो GPS चलता है उसी से चलता है। भाई सुनिए, आप जो है तो GPS में आप देखते ना, ट्रैफिक में बता देता रेड रेड, दिखा देगा कि यहां क्या कंजेशन है, तो उसको कैसे पता लगा? कि वो सैटेलाइट से वहां बीम हो रहा है और तुरंत उसका आपको जानकारी मिल रही है। तो ये जो है 24/7 और इंस्टेंट, आपको पता है आगे 2 किलोमीटर पर जाम लगा हुआ है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से ये संभव हुआ। अतः भूमंडलीकरण एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें जहां एक ओर कुछ व्यक्ति सम्मिलित होते जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक व्यक्ति मूल विहीन होकर इस व्यवस्था से बाहर होते जाते हैं। अब समझ में आ गया आपको? तो ग्लोबलाइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इट साइमल्टेनियसली इंक्लूड एज वेल एज एक्सक्लूड द पर्सन। ये जो साइमल्टेनियसली जो ये काम होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले एक्सक्लूड करेगा फिर इंक्लूड करेगा, या पहले इंक्लूड करेगा फिर किसी को एक्सक्लूड, नहीं, साइमल्टेनियसली कुछ एक्सक्लूड हो जाएंगे कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। ये जो करेक्टरिस्टिक है ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अब ये तो इसका अवधारणात्मक पक्ष हुआ। दूसरा जो भाग है जो इस टॉपिक पर था, भारत में इसमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, अगर आप लोगों में इंटरेस्ट हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो मेन यही तो समझना है सर। आप बताओ स्टूडेंट्स, हाथ उठाओ। अरे वेरी गुड। मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, 1991 में ये पॉलिसी अडॉप्ट हुई, आज करीब 26-27 साल हम लोग को हो गए हैं इस पॉलिसी के, लेकिन ये कैसे हमारे
समाजशास्त्रीय दृष्टि से बातें नहीं। अब सुन लो बेटा, मेरे वाले जो पेपर है उसमें ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट ही आपका वो है, उसको ध्यान से सुन लो जो आप सच बताएंगे, और इसी में से मैं इंटरनल लूंगा। हाँ बस जिनको जाना है, जिनको नहीं बैठते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन बातें नहीं करेंगे। बाकी लोग आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे क्योंकि आप लोग, चलिए ठीक है ठीक ठीक है, तो आप लोग अगर बैठे हैं यहाँ तो सुनिए शांति से। भूमंडीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, और एक समाजशास्त्रीय प्रघटना के रूप में इसका विवेचन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, भूमंडीकरण या वैश्वीकरण एक संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में, एज ए स्ट्रक्चरल प्रोसेस, और एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस के रूप में भूमंडीकरण समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है, जैसे सामाजिक स्तरीकरण, आपने इस कंसेप्ट पढ़ा होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, रोजाना यूजीसी नए नए नोटिफिकेशंस ला रही है, मीडिया संगठन, मीडिया, धार्मिक संगठन, तो सभी के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। और दूसरा है भूमंडीकरण एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में, कल्चरल प्रोसेस के रूप में। तो बेसिकली दो ही प्रोसेस होते हैं समाज में, कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल प्रोसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत ही कम स्ट्रक्चरल चेंज होता है। मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में यही फर्क है। भारत में वेस्टर्नाइजेशन, ये सब पढ़े होंगे आपने, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, सेकुलराइजेशन, ये सब भारतीय समाज संस्कृति में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, अगर आप देखें तो किसमें मूल्यों में परिवर्तन है, धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन है, मतलब कल्चरल चेंज है, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के तीन आयाम बताए वेबर ने, क्या क्या है बताओ कोई, जाति, वर्ग और पावर, शक्ति, पावर स्ट्रक्चर, कास्ट, क्लास एंड पावर, उनकी बुक का नाम ही है आंद्रे बेते की, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, जिनकी किताब का नाम है, सब टाइटल है, और किताबों के नाम याद करो आप लोग, पूछे जाते हैं कंपटीशन में, अब नेट का या यूजीसी का कोई देंगे, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है ना आप लोग का एग्जाम, तो ये किताबों के नाम भी आ जाते हैं उसमें। लेकिन इसका विश्लेषण जो है संरचनात्मक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का, तीन स्तर पर हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक है ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर। वैश्विक स्तर पर भूमंडीकरण सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक इकाइयों अथवा संगठनों का निर्माण कर रहा है। कुछ विश्व स्तर के संगठन निर्मित हो रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, इनमें जैसे आईएमएफ, आईएमएफ का फॉर्म बताया कोई, यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, हाँ, जैसी वैश्विक एजेंसियां मानव अधिकार संगठनों, विश्व मीडिया संगठनों, धार्मिक संगठनों के वैश्विक विस्तार आदि के रूप में हम देख सकते हैं। ये तो ग्लोबल लेवल पर चेंज आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल नए संगठन विश्व स्तर पर बन रहे हैं। ये सभी विश्व स्तर के संगठन हैं तथा इनकी स्तरणीकृत रचना
विश्व स्तर पर, महाद्वीपीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होते हुए स्थानीय स्तर तक जाती है। और ये जो संगठन है ये नीचे के लेवल तक स्टेटिफाइड फॉर्म में आपको मिलेंगे, लोकल लेवल तक, जिसमें विभिन्न व्यक्ति, समूह, संगठन अंत्यक्रिया के भूमंडलीकृत नेटवर्क से संबद्ध होते हैं। तो लोकल लेवल तक ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है ग्लोबल लेवल का क्रिएट हो रहा है। ये सभी संगठन आंतरिक रूप से आपस में और बाह्य रूप से अन्य क्षेत्रों के संगठनों से प्रक्रियात्मक रूप से संबद्ध रहते हैं। तो ये फंक्शनली एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। लोकल लेवल का संगठन है वो ग्लोबल वाले से फंक्शनली जुड़ा हुआ है। ये संगठन जहाँ एक और वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे होते हैं, वहीं इन्हें स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय सामाजिक संरचना और संस्कृति से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अब जो एडजस्टमेंट है वो दोनों लेवल पर है, लोकल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी है। तो ये संगठन दोनों लेवल पर सामंजस्य स्थापित करते हैं, एडजस्टमेंट दोनों लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर और लोकल लेवल पर। अगर मान लीजिए आपको कहीं विदेश किसी उसमें जाना पड़ा कॉन्फ्रेंस में, तो आप वहाँ जाके एडजस्टमेंट करेंगे ना। आप रोजाना मान लीजिए सुबह कुछ खाते हैं स्पेशल अपना लोकल, तो नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहली क्या समस्या आएगी आपको विदेश जाने पे खाने की। आप जाएंगे होटल में मीनू देखेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा है क्या ये, कि क्या ऑर्डर दे। इवन जो नॉन वेज खाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं विदेश जाके। हम जहाँ भी गए तो देखा वो कुछ समझ में नहीं आता क्या है। अब हम तो वैसे भी वेजिटेरियन आदमी है तो और परेशान हुए। अब क्या मिला, तो चाय भी मिली बट मिली मुश्किल हो जाती है कई बार। तो चाय के लिए क्या ढूंढा हमने, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ग्लोबल है। कैसे ग्लोबल है, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैकडोनाल्ड की वो जो इंडिया में मिलती है वो आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगी। कभी आप मैकडोनाल्ड में जाएंगे तो फिंगर चिप्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही लोग खाते हैं जाते हैं। तो फिंगर चिप्स आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगे, और चाय जैसी यहाँ मिलेगी वैसी ही बाहर मिलेगी आपको सब जगह। तो मैकडोनाल्ड में हमने सबसे ज़्यादा किया भी चाय पी और फिंगर चिप्स का है। बाकी तो मीनू हमारी समझ में नहीं आया, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो सारा नॉन वेज और वहाँ के हिसाब से। तो मैंने कहा कि वो लोकल भी करते हैं और ग्लोबल भी करते हैं। भारतीय समाज में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के संरचनात्मक पहलुओं को समझने के लिए जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थी वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। उसमें तीन चीज मैंने बताई, कास्ट, क्लास एंड पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भारतवर्ष में है कास्ट, जाति। तो जाति व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जाति की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों ने जाति की दो विशेषताएं बताई है, एक को कहते हैं केंद्रीय विशेषताएं और दूसरी को कहते हैं परिधीय विशेषताएं, पेरिफेरल एंड कोर। कोर क्या होती है, जो परिवर्तित नहीं होती, और पेरिफेरल क्या होती है, उसमें चेंज हो सकता है। केंद्रीय विशेषता में जन पर आधारित सदस्यता, कास्ट की सदस्यता जन पर आधारित, जिस घर में पैदा हो गए वही कास्ट हो गई आपकी। अंतर विवाह, एंडोगैमी और सिस्टम ऑफ हेरार्की, इसको सोपान क्रम कहते हैं आप, ये तीन इसकी मूलभूत विशेषता है, हेरार्किकल ऑर्डर, एंडोगेमी एंड एस्क्रिप्शन बेस स्टेटस। जन्म के आधार पे आपको जाति आपकी निर्धारित होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कोर करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये माना जाता है कि ये परिवर्तित नहीं होती है। दूसरी विशेषताएँ परिधीय विशेषताएँ, जिसमें खान पान संबंधी प्रतिबंध, व्यवसाय का चुनाव और कुछ विशिष्ट जातियों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया संबंधी प्रतिबंधों को परिधीय विशेषताओं में रखा जा सकता है।
पिछले कुछ दशकों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जाति की परिधीय विशेषताओं का कठोरता से पालन नहीं किया जाता। आज हम कहीं जाते हैं तो किसी से नहीं पूछते भाई रेस्टोरेंट में भाई कौन हो आप, गांव का कोई आदमी तो पूछ भी लेगा शायद कि भैया कौन जात हो, भैया क्या मतलब। तो रेस्टोरेंट में कोई नहीं पूछता भाई जो भी ला रहा है खा लिया आपने, कोई जात वात तो पूछता नहीं, तो वो सब प्रतिबंध समाप्त हो गए। जो परिधीय विशेषताएँ उनमें परिवर्तन देखा जा सकता है। और लेकिन जन पर आधारित सदस्यता और सोपान क्रम की निरंतरता का मूल आधार जो है वो अंतर जातीय विवाह के ऊपर, जो अंतर विवाह है एंडोगेमी अपनी जाति के अंदर विवाह करना, इसी के आधार पर ये दोनों विशेषताएं, ये तीनों जो है कोर है। जिस दिन आप इंटर जब कहते हैं कि अगर जाति को तोड़ना है तो इंटरकास्ट मैरिज शुरू कर दो, जाति टूट जाएगी, अब वो ही नहीं टूट रही है। यदि भूमंडलीकरण सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया है तो क्या यह जाति संस्करण व्यवस्था को भी रूपांतरित कर पाएगी या नहीं, तो ये एक प्रश्न उठता है। अगर हम कहें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है तो क्या जाति टूटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल आएगा। तो एग्जाम में यही सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जाति पे क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। एक संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में भूमंडलीकरण विभिन्न स्तरों पर सामाजिक असमानता उत्पन्न कर रहा है, इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहा है। भूमंडलीकरण के दौर में जहां कुछ आर्थिक वृद्धि की दर में वृद्धि हुई है, वहीं कृषि के क्षेत्र में भारी गिरावट देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं कि किसान रो रहा है, किसान मर रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में निगेटिव ग्रोथ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की मात्रा में वृद्धि होगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, गरीबी बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवजन या पलायन की में वृद्धि होगी, माइग्रेशन बढ़ेगा रूरल से अर्बन की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी घटेंगी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी और नगरीय क्षेत्रों में अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे, इसलिए लोग नगर की ओर भाग रहे हैं। इसके कारण किसानों में भूमि विहीनता बढ़ेगी तथा भूमि उपयोग के प्रतिमानों में भी परिवर्तन होगा। एक तो भूमि विहीनता वैसे ही बढ़ रही है भारतवर्ष में, क्योंकि जो साइज ऑफ लैंड है वो फैमिली के हिसाब से डिवाइड होते 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 वो कल्टीवेबल नहीं रहा साइज। अगर मान लीजिए चार पीढ़ी पहले 20 बीघा जमीन थी किसी के यहाँ, आज जो है वो एक एक दो दो बीघा उनके हिस्से में आती है, तो कल्टीवेबल ही नहीं हो तो क्या करेंगे, शेयर क्रॉपिंग पे दे देंगे किसी को या बेच देंगे, तो वो भूमि विहीन बन जाएंगे। अगर उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। इसका नियंत्रण इस प्रकार और भूमि उपयोग के प्रतिमानों में परिवर्तन होगा। या फिर आप कहेंगे कि हम तो ऐसी कोई सूरजमुखी के फूल उगाने शुरू कर देंगे यार जिसकी कैश वैल्यू ज़्यादा है, सब्जी उगाना शुरू कर देंगे, तो जो भूमि का उपयोग है वो परिवर्तित होगा। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे के चलते ये सभी धीरे धीरे निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा खरीद ले जाएंगे। ये भी आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के PSU है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर उसका अधिग्रहण कर रहे हैं। इनका नियंत्रण वैश्विक महाद्वीपीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थानीय स्तरों पर परस्पर संबद्ध निजी कंपनियों द्वारा बढ़ता जाएगा। तो जितने भी कंपनियां हैं उद्योग हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में चले जाएंगे। सरकार की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाएगी। जब कोई रोजगार देने की आपकी क्षमता ही नहीं है तो आपकी स्थिति कमज़ोर होनी है, चाहे वो मोदी जी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो राहुल गांधी की आए, चाहे मुलायम सिंह की आए, सबका वही असर होना है। सरकार की स्थिति कमज़ोर होती जाएगी और भूमंडलीकरण के फलस्वरूप भारी मात्रा में ट्रांसकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन सिर्फ रूरल टू अर्बन नहीं है बल ट्रांसकॉन्टिनेंटल। लोग कहेंगे ऐसा भैया विदेशी चले जाओ उससे तो अच्छा, और जहां भी आपको डिमांड मिलेगी आप
पासपोर्ट बना के, इसलिए देखिए पासपोर्ट बनाने वालों की लंबी लाइन है, और मिडिल ईस्ट में तो बहुत लोग आज से नहीं कम से कम 30-40 साल से वहाँ जा रहे हैं रोजगार के लिए, और भी नए नए क्षेत्रों में लोग ढूंढ रहे हैं। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब एक एशिया से यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, अफ्रीका चले जाएंगे, वहाँ के लोग हो सकता है यहाँ आ जाए। यह प्रयोजन विभिन्न स्तरों पर तथा भौगोलिक रूप से विश्वव्यापी होगा और लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने को बाध्य होंगे। तो आगे आने वाला युग बहुत खतरनाक आने वाला है, ये मान लीजिए। इसके कारण भारतीय समाज में जातिगत बंधन और अधिक ढीले पड़ने लगेंगे। तो ये जो अगर प्रक्रिया होती है तो जाति के बंधन को हमें थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, खत्म तो नहीं करेंगे, ढीले कर देंगे। अंतर जाति विवाहों की दर में वृद्धि होगी और हो भी रही है, साउथ नॉर्थ में शादी हो रही है। अंतरराज्यीय विवाहों का प्रचलन अभी भी बढ़ता दिखाई देने लगा है। इससे जाति संरचना में तीन बृहद श्रेणियां ध्रुवीकृत होंगी। अब जो है कहा समाप्त तो नहीं होगी, रीपोलराइज्ड होगी, और एक उच्च जातियों का वर्ग होगा जिसकी संबद्धता भूमंडलीकृत व्यवस्था में सर्वाधिक होगी। जो अपर कास्ट है, जैसा कि वेस्टर्नाइजेशन में अपर कास्ट पहले वेस्टर्नाइज हुई, मॉडर्नाइज भी वही हुई और ग्लोबलाइज भी वही होगी। नंबर दो, मध्य क्रम की वे जाते हैं जिन्हें आज पिछड़े वर्ग या दलित के नाम से जाना जाता है, पिछड़े वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है, ये जातियाँ अभी भूमंडलीकृत व्यवस्था में संबद्ध होने का प्रयास करेंगी, परंतु अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण प्रारंभिक दौर में अपेक्षाकुल कम सफलता प्राप्त करेगी। और तीसरी, दलित जातियों का वर्ग, यद्यपि यह वर्ग राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय है परंतु भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में यह पिछड़ सकता है। इसका प्रमुख कारण इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति व सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व साधनों का अभाव है। तो जो वैसे ही कहते हैं कास्ट क्लास एंड पावर वर गोइंग टुगेदर, कि अगर आप ऊंची कास्ट में तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, पावर भी आपके पास है, और अगर आप नीचे उसमें हैं तो आपके पास ये भी कम होगा। तो उसी हिसाब से ये हायरार्की मेंटेन रह सकती है। अच्छा, कोई शिक्षा तथा व्यवसाय में आरक्षण की नीति पर भी भविष्य में प्रश्न खड़े होंगे। अभी भी डिबेट चल रही है, आरक्षण खत्म कर दो, कुछ कह रहे नहीं आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा। तो ये भी समर्थन और विरोध में भी, इसमें समर्थन और विरोध दोनों में तीव्र आंदोलनों का जन्म हो सकता है जिससे तनाव और संघर्ष का माहौल बनेगा और जातियों का ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। हाल ही के में आरक्षण विरोध और समर्थक आंदोलन इसी प्रकार की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं। इलाहाबाद में एक बड़ा आंदोलन चला आरक्षण के विरोध में और आरक्षण के समर्थन में पिछले वर्ष। इस तरह के आंदोलन आपको और भी जगह दिखाई दे सकते हैं। सामाजिक संस्करण की दूसरी प्रमुख श्रेणी है वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर। भूमंडीकरण से वर्ग संरचना का रूपांतरण भी निश्चित है। आर्थिक व शैक्षणिक असमानता में वृद्धि के कारण व्यावसायिक संरचना भी तेजी से बदल रही है। आप देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। आर्थिक व
साथ ही कंप्यूटरीकरण और सूचना तकनीक का भारी मात्रा में उपयोग भी इसे प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण निचले वर्ग के व्यवसाय में काफ़ी कमी आ रही है। इस वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों की कमी होने से इसमें असंतोष, आक्रोश, तनाव और संघर्ष उत्पन्न होगा। जो सबसे आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जॉब्स हैं, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की है कि इनको ना भरा जाए और इनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब कंप्यूटर से काम कीजिए, चपरासी की जरूरत ही नहीं, आप मेल कर दीजिए या इंटर कनेक्टिविटी है आप उससे भेज दीजिए सीधा इंटरनेट से हमको, अब तो वर्क टू होम है, अब घर में बैठ के काम कीजिए, ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वर्ग में विशेष रूप से वे लोग सम्मिलित होंगे जो भूमंडलीकरण के दौर में स्थानीय उद्योग धंधों के बंद हो जाने के कारण मूल्यविहीन या डीवैल्यूड होकर बेरोजगार और गरीब हो जाएंगे। तो जो क्लास स्ट्रक्चर में ये जो क्लास है ये अनएम्प्लॉयड होगा और एम्पावरिश्ड होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि मजदूर, सीमांत किसान व लघु किसान भी भूमंडलीकरण के पहले शिकार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप इनका पलायन शहर की ओर होने की आशंका है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में भारी वृद्धि होगी। ये हो ही रहा है, देख रहे हैं कि आप अर्बन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, साथ ही छोटे कस्बों व नगरों में आवश्यक मूलभूत अभिसंरचनाओं का अभाव वहाँ पूंजी निवेश करने में बाधक होगा। दूसरा आप एक और जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि छोटे कस्बे जो हैं और जो छोटे नगर हैं वहाँ कोई पूंजी निवेश नहीं कर रहा, ज़्यादातर जो पूंजी निवेश हो रहा है कहाँ, बड़े बड़े शहर में, और नए नए शहर डेवलप हो रहे हैं जैसे ग्रेटर नोएडा है, नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर एक्सटेंशन, ये जो नई हब्स डेवलप हो रही हैं, तो यहाँ निवेश ज़्यादा आएगा और छोटे कस्बों में जैसे इलाहाबाद है वहाँ कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। अतः बड़े नगर ही विकास के केंद्र बने रहेंगे, जिसके कारण भारी असमान विकास दृष्टिगोचर होगा। अतः बड़े वहीं दूसरी ओर नवीन भूमंडलीकृत बाजार व्यवस्था विशेषतः इन समाजों की व्यावसायिक संरचना के उच्च व मध्य स्तर पर नवीन वर्गों को जन्म दे रही है, नई क्लास भी एमर्ज कर रही है। जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में सूचना कर्मी, इंफॉर्मेशन वर्कर्स का एक नया वर्ग जो मार्क्स के श्रमिक की तुलना में काफ़ी पढ़ा लिखा है तथा उच्च जीवन शैली में, हाई स्टाइल ऑफ लाइफ में विश्वास रखता है। तो क्लास में और नई क्लासेस भी बन सकती हैं, नए ऑक्यूपेशन आ सकते हैं और कुछ ऑक्यूपेशन समाप्त हो सकते हैं, तो क्लास स्ट्रक्चर विल चेंज। और तीसरा है पावर स्ट्रक्चर। सामाजिक स्तरीकरण का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष शक्ति संरचना है, इस पर भी भूमंडलीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। राजनेताओं का अर्थव्यवस्था में नियंत्रण कम हुआ है, वे इसे समझ पाने में असमर्थ हैं, इनको समझ ही नहीं पा रहा हो क्या रहा है। महंगाई पर नियंत्रण इनके बस से बाहर है, आर्थिक वृद्धि पर भी इनका नियंत्रण नहीं है, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा तथा राजनेताओं की साख में गिरावट आएगी, जिससे शक्ति, राजनीतिक शक्ति का केंद्र समाज की दूसरी संस्थाओं जैसे मानव अधिकार संगठन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के हाथों में हस्तांतरित होगा। इनकी पावर जो है वो शिफ्ट करेगी, ये एंथोनी गिडेंस का कहना है कि जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी की बहुत चर्चा हो रही है। और आपको मैं एक थोड़ा सा पिछले जो आपकी दल की जो गठन हुआ इसके पीछे जो एक सिविल सोसाइटी का मूवमेंट था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, उस टाइम ये कह रहे हैं नागरिक समाज जो है बहुत स्ट्रांग हुआ है भारत में, और आज वो नागरिक समाज ऑपरेट कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया। उसके माध्यम से आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया से दबाव बन रहा है बहुत सारा राजनेताओं पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक फॉलोअर्स हों, चाहे उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, इसके थ्रू जो ओपिनियन फॉर्मेशन है ये एक राजनीतिक दबाव बनाता है। तो इस प्रकार जो आज राजनेता अपने को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी शक्ति में ह्रास होगा। वैश्विक तथा स्थानीय
दोनों स्तरों पर इनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये मैंने दे दिया अन्ना हजारे का आंदोलन का उदाहरण। इसी प्रकार की संरचनाएँ पुरानी राजनीतिक संरचनाओं के ढांचे में फिट नहीं हो पाएंगी तथा नवीन प्रकार की राजनीतिक संरचनाओं का कालांतर में उदय होगा, तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी ट्रांसफॉर्म होगा आगे चलते। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट, ये तो वह स्ट्रक्चरल चेंज इन तीनों क्षेत्रों में होगा। अब सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखिए, अब बस 5 मिनट का है, ज्यादा नहीं, बी रिलैक्स्ड। सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में भूमंडलीकरण प्रतिमान संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठनों को प्रभावित करता है। अगर आपने पार्सल्स पढ़ा हो, उसमें एक पैराडाइम दिया है, क्या है उसका पैराडाइम, कोई बताएगा? एमए का छात्र या छात्रा, पार्सल्स का कौन सा पैराडाइम है? एजिल पैराडाइम, AGIL। उसका जो फोर्थ है L, वो क्या है? लेटेंसी एंड पैटर्न मेंटेनेंस। तो ये पैटर्न मेंटेनेंस है, ये सिस्टम में जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है वो उसको करते हैं कि जो हमारे पैटर्न्स है, कल्चरल पैटर्न्स, वो कैसे मेंटेन होते हैं सामाजिक व्यवस्था में, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करने में जनसंचार माध्यमों तथा नई संचार तकनीकियों, जिनमें 24 घंटे प्रसारित होने वाले टीवी चैनलों के कार्यक्रम, इंटरनेट का बढ़ता प्रभाव तथा मोबाइल फोन द्वारा लाई जा रही संचार क्रांति सांस्कृतिक क्षेत्र में नए नए परिवर्तनों को जन्म दे रही है और आगे भी देगी, तथा नए सूचना तंत्र के माध्यम से समाज में एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगी, जिससे पृथकीकरण को कम करने में सहायता मिलेगी। तो जहाँ एक तरफ एक्सक्लूजन हो रहा है, वहीं जो इन्फॉर्मेशन का जो डिफ्यूज़न हो रहा है, ये उसको इंटीग्रेट कर रहा है। सूचना जो है वो इंटीग्रेट कर रही है लोगों को, कैसे कर रही है? आप अगर फैमिली के स्ट्रक्चर को देखें, वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अगर मान लीजिए एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक की जॉब दिल्ली में है, दूसरे की मान लीजिए लखनऊ में है, तीसरे की चेन्नई में है और चौथे को यूएसए में जॉब मिल गया, तो 4 लोग 4 जगह, तो आपको ये तो फैमिली बिखर गई, तो फैमिली का इंटीग्रेशन कहाँ रहा? तो कहेंगे नहीं, इंटीग्रेशन तो होता है, कैसे होता है? रोजाना फोन पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे वीडियो चैट कर लेते हैं। तो जो मीडिया है, ग्लोबल मीडिया, उसको इंटीग्रेट कर रहा है। तो फैमिली डिस्पर्स तो हुई है लेकिन टूटी नहीं। पहले मेरे ख्याल से 70 में सवाल आता था सोशियोलॉजी में, क्या संयुक्त परिवार टूट रहा है? अब वो सवाल नहीं पूछा जाता। तो अब हाँ, पृथक तो हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेट भी हो रहे हैं। आवागमन के साधनों का इतना विस्तार हो गया, तुरंत फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाते हैं। सूचना तंत्र इतना जबरदस्त है कि फैमिली टूट भी जाती है। रिसेंट उदाहरण अखबारों में पढ़ा होगा, शमी और उसकी जो बीवी है हसीन प्रकरण, पूरा मोबाइल की स्टडी कर ली उसने, उसके हाथ लग गया, देख लिया कहाँ कहाँ चैट किया है, तलाक की नौबत आ गई। तो दोनों हैं, इंटीग्रेशन और सेग्रीगेशन, बोथ आर टेकिंग प्लेस। लेकिन इससे एक्सक्लूजन की जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट करने में ये हेल्प करेगा। अगर ये नहीं होता तो एक्सक्लूजन हो जाता। अब जो कनेक्टिविटी है वो डे टू बेसिस पर है। अब आपको पेरेंट्स ने क्या दे दिया, कि सबको फोन दे दिया, सब लड़कियों,
लड़कों को भी मिला हुआ है, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर पहले होता तो लड़के को देते, लड़की को नहीं देते। और आपको भी क्यों दिया हुआ है? इसलिए नहीं कि आपको सुविधा दी है, आप पे विजिलेंस रखने के लिए। लड़के का फोन नहीं करेंगे कहाँ है वो, लेकिन आपके हर 10 मिनट में मम्मी का फोन आ जाएगा, बेटा क्या कर रहे हो। आपकी मम्मी तो बड़ी केयरिंग है, सुबह से शाम तक पूछती रहती है, उसको डर है कि लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। तो आपके ऊपर पूरी निगाह सर्विलेंस जो है वो स्मार्टफोन के वजह से हो रही है। आप जरा स्विच ऑफ कर दो तो फिर पागल ही हो जाओगे ना, और मम्मी भी पागल है, फिर ये कस के डांट पड़ेगी क्यों स्विच ऑफ किया, क्या प्रॉब्लम थी। तो इंटीग्रेशन, धार्मिक क्षेत्र में नए नए किस्म के संगठनों का उदय हो रहा है जो लोगों को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रभावित करेंगे तथा धर्म की सार्वभौमिक अपील करने वाले तत्वों को प्रचारित करने हेतु इनका भी भूमंडलीकरण भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धर्म का भी एक नया स्वरूप आ रहा है। बाबा रामदेव का योग, तो हिंदू धर्म की और कोई चीज ग्लोबलाइज नहीं हुई, लेकिन योग हो गया, क्योंकि जिसकी एक सामूहिक अपील है और जो एक यूनिवर्सल अपील वाली एलिमेंट्स हैं रिलीजन के, वो ग्लोबलाइज हो जाएंगे। इसी तरह जो इंडियन डायस्पोरा है, जो बाहर रहने वाले इंडियंस हैं, फिल्म्स इसके अलावा, फिल्म के अलावा जो आज रिलीजियस उनकी नीड्स हैं, जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं, आप देखें सब ने अपनी वेबसाइट खोल दी है, सब ने अपने बाहर केंद्र खोल दिए, बाहर जाके वो वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके द्वारा जनसंचार माध्यमों और नई संचार तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सारी उनका लिटरेचर, उनके जो गीत संगीत है, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, उनकी वेबसाइट पर भी फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर नए धार्मिक आंदोलनों का उदय होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का भूमंडलीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, जिससे वर्तमान विश्वविद्यालयों को भी स्वयं को नई अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। अब जो एजुकेशन सिस्टम है इसको भी ट्रांसफॉर्म करना होगा, पुरानी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल पाएगी। नए नए कोर्सों का आरंभ, विदेशों में शिक्षा के लिए अधिक लोगों का जाना इसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हुआ, परंतु साथ ही वे लोग जिनकी शिक्षा आज की वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उनका एक्सक्लूजन भी कालांतर में निश्चित है। ये चैलेंज है, चुनौती है हमारी, हमारे विश्वविद्यालयों के लिए, हमारे कॉलेजों के लिए, महाविद्यालयों के लिए चुनौती है। अगर आपने अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो एक्सक्लूजन निश्चित है, ये दुकानें बंद हो जाएंगी ये भी निश्चित है, और भारी मात्रा में बेरोजगारी भी होगी। अभी देखिए यूपी में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं इस साल, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट ही नहीं है, कोई एडमिशन ही लेने नहीं जा रहा, दुकान खुली हुई है ग्राहक नहीं आ रहा। तो ये कहीं भी हो सकता है, वो डीवैल्यूड हो गए। इसी प्रकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बड़े सुविधा युक्त अस्पतालों का उदय, स्वास्थ्य पर्यटन, हेल्थ टूरिज्म, हेलो भाई हेल्थ टूरिज्म, पाकिस्तान से लोग इलाज कराने कहाँ आ रहे, इंडिया, उसके लिए कहते हैं हमको वीसा दे दीजिए आप, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे सरकारी व निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिस्पर्धा होगी और अंततः इनका निजीकरण होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में भारी परिवर्तन के संकेत वैश्वीकरण दे रहा है। इसका मतलब आगे आने वाले वर्षों में भारी परिवर्तन समाज में दिखाई देंगे और भारी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। आज एक मैसेज व्हाट्सएप पे किसी ने
अपलोड किया है, एक मार्क टुली पत्रकार है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसके कुछ अंश किसी ने उस पर डाले हैं, और उनका यही कहना था कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी क्षेत्रों में आने वाले जो नेहरू वाला मॉडल है वो आज समाप्ति की ओर है, और कुछ नए प्रकार के भारत के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। तो लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, तो कुछ ऐसा भी लगेगा कि शायद कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, और साथ ही ये पेनफुल भी होगा। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वो स्मूथ नहीं होता, पेनफुल होता है। यूरोप में जो आधुनिक समाज, जो मध्य युगीय समाज फ्यूडल सोसाइटी से जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस था। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, और ये जो ग्लोबलाइजेशन का युग अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये भी पेनफुल होगा। तो उसके लिए जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए हमको तैयार रहना होगा, और जो नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो और ज़्यादा आएंगी, तो आपको अपने को उसके लिए तैयार करना होगा, कठिन परिश्रम से और मेहनत से अपने अचीवमेंट्स को आपको बढ़ाना होगा। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार वैश्वीकरण किस प्रकार हमारे भारतीय समाज को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगा। हालांकि कोई क्लियर पिक्चर अभी हम नहीं कह सकते कि नहीं इसी प्रकार का परिवर्तन होगा, लेकिन संकेत इस बात के हैं कि संरचनात्मक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन भारतीय समाज में दिखाई देंगे, और हम आशा ये करेंगे कि भारत का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है एनर्जेटिक है, कमिटेड है, और आप लोग और इस आज के लेक्चर से और प्रेरणा लेके आप अपने पढ़ाई में, क्योंकि बिना नॉलेज के आप आज के युग में सफल नहीं हो पाएंगे। अब ये जुगाड़बाजी का ये ज़माना समाप्त होने वाला है, कुछ दिन हो सकता है चल जाए 10-20 साल, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने अचीवमेंट पर, अपने कंपटीशन के आधार पर ही ग्लोबल लेवल पे अपने को स्थापित करना होगा, और उसकी आपको इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, तीनों स्तरों पर तैयारी करनी पड़ेगी। और जो लड़कियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको ये चांस मिल रहा है अपने आप को स्थापित करने का, और महिलाओं ने अपने को स्थापित भी किया है, और आपके सामने तो और चुनौतियाँ सामने आएंगी, परिवार की भी चुनौती आएगी और अपने आप को स्थापित करने की। तो मैं समझता हूँ कि ये विषय बहुत जटिल है, और इस पर चाहे तो बहुत और देर तक बात हो सकती है, विभिन्न इसके पक्षों पे बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जो दिमाग में कोई अगर कुछ सवाल है तो उनका मैं जवाब देना पसंद करूँगा, और मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। हाँ, बैठ के जवाब देना। हैं कर रहा है। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा हमें मेडिकल सिर्फ ये समाज शास्त्र के बच्चों के लिए ही नहीं था, जैसे सर ने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी एक अप्रोच है इसकी, कि सभी विषयों में और सभी के लिए ये आवश्यक है। तो ग्लोबलाइजेशन का हर फील्ड पे हर जगह क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में सर ने हमें बहुत अच्छा बताया, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाने की बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे से सरल शब्दों में समझाया है। तो मुझे लगता है सारे ही बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे इस व्याख्यान से, और आप लोगों के साथ साथ हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस सर को सुन पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर किसी बच्चे उसमें कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये?
जो शिक्षा हाँ देखिए शिक्षा के काम नहीं कर रहे हैं नहीं आ सकता देखिए अब तो आ रहे हैं ये बीच में आ रहे हैं बीच में जा रहे हैं ये नहीं आ रहा चलिए मैं इधर बैठ चुनौती है और जहां तक मैं समझता हूं हमें अपनी अप्रोच को भी बदलना पड़ेगा। पिछले 70 वर्षों में हमारी एक टेंडेंसी प्रवृत्ति जो डेवलप हुई है कि सब चीज हमने सरकार पे छोड़ दी, सब काम सरकार करे। और जैसा मैंने बताया कि सरकारें तो कमजोर होने जा रही हैं, अगर आपने सरकार के ऊपर छोड़ दिया तो कभी भी आप इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप देख रहे हैं जो स्कूल्स हैं भारी फीस वो लोग लेते हैं, उसके बाद भी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं है। हर गली कूचे में अंग्रेजी माध्यम के दुकानें वाले स्कूल खुल गए, तो स्कूल नहीं दुकानें हैं। जो मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है उसके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो कुछ सिखाते नहीं है, एजुकेशन में क्वालिटी नहीं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और गांवों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो बुरा हाल है। स्कूल है तो वहाँ टीचर ही नहीं आ रहा है या एक ही टीचर है। तो प्राइमरी शिक्षा ही हमारी बहुत खराब है, गांवों में बुरी हालत है। इसको कैसे सुधारें हम, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और सरकार के पास ना इतने संसाधन हैं कि वो सबको कर पाए, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से ये भी कहा गया 2% प्रॉफिट जो है आप इन कार्यों में लगाएं, तो कॉरपोरेट सेक्टर भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो एनजीओज हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये वाला भी काम नहीं कर रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका का निर्वाह कर सकता है। युवा वर्ग के सामने ही बड़ी चुनौती है। हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे कि जो हायर एजुकेशन में कुछ समय हम गांवों में दें। जैसे आप एनएसएस के कैंप लगाते हैं तो वो क्या है, फॉर्मेलिटी आप लोग कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, मैं देखता हूँ वो एक बर्डन के रूप में किसी को पकड़ा दिया जाता है, तुम चलाओ 2 साल, वो बेमन से उसको चलाता है, फिर वो कहता है अब 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए, अब किसी दूसरे को दे दीजिए।
तो ये जो हमने हर चीज गवर्नमेंट पे छोड़ दी है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उससे भाग रहे हैं। गांधी जी ने यूथ से अपील की थी उस टाइम पर, आजादी के आंदोलन के टाइम पर, कि गर्मी की छुट्टी में आप गांवों में जाइए और ग्रामीण लोगों को साक्षर कीजिए। तो गांधी जी किसी की माननी नहीं, हम तो हमने क्या चला एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें हजारों लाखों रुपया अरबों रुपया खर्च कर दिया, फिर भी साक्षरता नहीं हुई। तो जो सबसे बड़ी कमी है भारतवर्ष की वो साक्षरता का अभाव है। अभी भी ग्रामीण इलाकों में काफी बड़ी संख्या में लोग इलिटरेट हैं। ये एक अभिशाप है और जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के जो निगेटिव इफेक्ट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। अशिक्षित लोग और ज्यादा पिसेंगे क्योंकि अनस्किल जॉब्स कम हो जाएंगे, स्किल जॉब्स बढ़ेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो भारी चुनौती है और हम इसका सामना कितना कर पाएंगे कहना कठिन है। और कोई बच्चा प्रश्न? ये हाँ, जो एंटी रोड्स बनाए जा रहे हैं दुनिया में है? जितने एंटी रोड्स ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में, तो और इसका अच्छा एग्जांपल ये हो रहा है कि लोगों का फेथ हो रहा है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट और कुछ कुछ पावर सेक्टर को एकदम बच्चों को डेलीगेट पावर को डेलीगेट कर रहे हैं, जैसे पुतिन को पावर दे देना चाइनीज जहाँ स्टेट लेवल पावर को ज्यादा वो लोग डेलीगेट कर रहे हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करिए। और उनके प्रोटेक्शन ये है कि पिछले 10 साल में जो उनकी पॉलिसीज उन्होंने एक्ट ग्लोबली किया, लोकल लैंग्वेज में आरएनडी करना, क्योंकि जब आप ग्लोबलाइजेशन के एज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो जो उसका बेसिक नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया को मिल रहा है, जिसको प्रोडक्ट के रूप में आपको बेच रहा है। तो जो ये विकल्प हम देख रहे हैं कि हमें इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन चाहिए, या भारत में भी अगर फ्रस्ट्रेशन में किसी गवर्नमेंट को ओवर मेजोरिटी दे देना, बार बार दे देना, तो एंटीडोट्स तो क्लियर है कि एक्ट लोकली, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एक्टिंग लोकली, वी आर थिंकिंग अबाउट द एक्टिंग ग्लोबली एंड थिंकिंग ग्लोबली। ये एंटीडोट्स के बारे में क्या इस तरह की कोई पॉलिसीज की सजेशन? कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग लेकिन सफल नहीं हो पा रहे उसमें। और दूसरा क्या, विजन क्लियर नहीं है, अभी हम ग्लोबलाइजेशन को समझ ही नहीं पा रहे। उसका एक उदाहरण मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो ये पीएनबी का घोटाला हुआ है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमने जो चेक एंड बैलेंस थे बैंकिंग सिस्टम में वो रिलैक्स कर दिए और जो ल्यू पोल से उसका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठा के घोटाला कर दिया, अरबों रुपये का चपत लगा दिया। तो हम समझ ही नहीं पा रहे हम लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम ग्लोबल लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, वहाँ से पूंजी ले आएंगे, उसके लिए हम अपनी जो लाल फीता शाही कह रहे हैं कि हमने अब रेड कारपेट बिछा दिया, मोदी अमेरिका में कहा वो रेड कारपेट ऐसा बिछाया कि वो ज्वेलर्स ने लूट लिया। तो प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे यहाँ और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उसको हैंडल करें। तो ग्लोबलाइजेशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है और जो प्रेजेंट लीडरशिप है जो भी है यहाँ भी और सभी डेवलप्ड कंट्री में, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू हैंडल दिस ग्लोबलाइजेशन। देखिए चाइना और रशिया, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ डिक्टेटरशिप है, वो कोई भी डिसीजन लेंगे दे कैन इम्प्लीमेंट इट एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो दैट। तो चाइना जो सक्सेस हुआ है वो डिक्टेटरशिप की वजह से हुआ है। तो उन्होंने जो है, नहीं सुनिए ना, हमारे यहाँ वो नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में, लोग ही क्रिटिसाइज करेंगे। आप एक डिमोनिटाइजेशन कर दिया उसके बाद उन्होंने क्या ये सब कर दिया, हटाओ इसको, जीएसटी ले आए, सारा व्यापारी वर्ग खिलाफ हो गया। तो आप अगर ग्लोबलाइजेशन की कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उसको डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसका अपोजिशन भी हो सकता है, क्योंकि पेनफुल प्रोसेस है, आपको कड़े कदम लेने पड़ेंगे
और जहाँ आपने कड़ा लिया है, अब शिक्षा मित्रों को लेके कितनी प्रॉब्लम हो रही है, जो बिल्कुल अयोग्य है, किसी वो नहीं, नहीं साहब इनको दो 25,000 रुपया 30,000 रुपया, ये लोग भूखे मर जाएंगे, भाई वो योग्य तो हों, तो ऐसे अयोग्यों को रखा क्यों आपने? तो ये जो प्रॉब्लम है मैरिट और ये जो फेवरेटिज्म है, इसमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो आप एक्सक्लूजन आपका ग्लोबल लेवल पर होगा, पावर्टी बढ़ेगी, किसानों को आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है, ये पेनफुल प्रोसेस है, आपको अपनी पॉलिसी सही करनी पड़ेगी, चाहे आप रोके करो चाहे हंस के करो, वो कोई उपाय नहीं है। आपने जब तक साइन कर दिया ना गेट पे, वो पार्ट मैंने छोड़ दिया, वंस यू साइन गेट, उसके बाद तो कोई आपके पास विकल्प नहीं है ग्लोबलाइजेशन के अलावा, यू कांट गो बैक नाउ। फिर 3% से भी नीचे चली जाएगी इकोनॉमी। हम इतना डरे क्यों? डरे क्यों? जो इकोनॉमी इतना ग्लोबलाइज नहीं है, वी आर आल्सो ग्रोइंग, एचडीआई उनका देखिए बेहतर है, बहुत बेहतर है, हमसे बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा नहीं कि हम अंग्रेज डॉलर में हार रहे हैं? नहीं, अब तो भाग लिए ना आप, 26 साल तो भागे, अब यू कांट गो बैक। रुकना तो सोच सकते हैं, अमेरिका सोच रहा है रिवर्स ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो अभी पिछले 10 साल में आया है, खासतौर से 2008 के बाद, दे रियलाइज दैट द ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू चेंज देम, बट नाउ दे आर करेक्टिंग देयर पॉलिसीज। भाई वी कैन नॉट, अभी तो हमें पता ही नहीं करेक्शन क्या करें, अभी तो हम नेहरू के युग से ही बाहर नहीं निकले, अभी तो एक पार्टी तो नेहरू की बात कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी उसी युग में घुसी हुई है अभी तक, उनको भी लेनिन स्टालिन से आगे जाने को तैयार नहीं है, और जो बीजेपी है वो दे आर ब्लाइंडली फॉलो जो ग्लोबलाइजेशन है, तो प्रॉब्लम तो सारी यहाँ पर है पॉलिटिकल लेवल पे, तो उस पर तो देर इज ए नीड टू हैव डायलॉग ऑन दिस एट नेशनल लेवल, वो है नहीं हमारे यहाँ, कोई एक व्यक्ति सोच लेता है बस उसी हिसाब से काम हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है, लीडरशिप इज ए प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। और कोई वही तो पॉलिसी डिसीजन लेना है, कभी कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, कभी कहते हैं इनसे अब ये काम करवाएंगे, अभी इनको बैंक के रूप दे देंगे, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या किया जाए, कायदे में तो वो डिवैल्यूड हो गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक खड़ा किया आपने वो सारा आपका बेकार हो गया, तो अब उसका बहुत ही मुश्किल है, अब ये है कि उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए आप, क्यों आप चलाना चाहते हैं उसको, उसको नीलाम कर दीजिए, बोलो भैया आपको कोरियर वाले ले लो इसको, पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि वो सर्विस तो आप दे नहीं पाओगे, दे नहीं पा रहे, स्पीड पोस्ट चलाई आपने, स्पीड पोस्ट 7 दिन से पहले नहीं पहुंच रही है, बल्कि ऑर्डिनरी पोस्ट पहुंच जा रही है, स्पीड पोस्ट नहीं पहुंच रही है, तो एफिशिएंसी की ये हालत है, एफिशिएंसी नहीं है सिस्टम में। बीएसएनएल क्यों पिटा? इसीलिए पिटा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। सर जो कुछ चीजें खतरे में आ रही है, जैसे आजकल हम लोग कह रहे हैं शिक्षा में हम लैपटॉप और उनका यूज कर रहे हैं, तो उनमें हैंडराइटिंग एक जो काफी गंभीर मुद्दा है उसका खतरे में है हैंडराइटिंग। तो हम हैंडराइटिंग तो यूज कर ही नहीं रहे नेट से और कंप्यूटर से ही। तो अब हैंड राइटिंग में करना क्या आपको? पत्र लिखना है प्रेमिका को क्या? वो तो लिख देंगे आप, अब तो वो भी नहीं लिख रहा ना, वो भी चैट कर रहा है। तो हैंड राइटिंग का अब कोई वो ही नहीं रहा ना, अब तो सिग्नेचर भी डिजिटल है। हम पुराने उस पर चल रहे हैं ना।
मेरा कजिन है, उसकी राइटिंग आप पढ़ नहीं सकते, पर उसने IIT टॉप किया। तो राइटिंग इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा ब्रिटिश आइडियाज है, सो हैव टू बी डिसमेंटल्ड फ्रॉम द माइंड। गूगल पर जा करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन गूगल कभी शिक्षक नहीं है। जो आपको यहाँ क्लास में बताया जाता है वो कभी गूगल नहीं हो सकता। सिंह साहब से मेरा भी एक प्रश्न है, तथा मुझे इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। सिंह साहब को मैं बधाई देता हूँ कि आपने जिस विषय पर व्याख्यान दिया है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो भारत का उत्सव कहा जाता है, उसमें आपने ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, बहुत बड़े गर्व की बात है। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में उन्होंने हर पहलू, चाहे वो कल्चरल हो या स्ट्रक्चरल हो या सोसाइटी का इम्पैक्ट हो, बड़ी गहराई के साथ बड़ी गहनता से उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। मेरा सवाल ये है, ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, एक बीटेक स्टूडेंट एक कंपनी बनाता है और वो 5,000 करोड़ की ठगी करके चला जाता है, यहीं का उदाहरण है। दूसरा, एक शामली का एक बीटेक स्टूडेंट पास, जिसके पिताजी परचून की दुकान करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के लूट करके चला जाता है, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है? दूसरा सवाल मेरा सवाल ये है कि 91 से जब से ग्लोबलाइजेशन आया, 70% आबादी आज भी किसानों से ऊपर आधारित है, किसानों के ऊपर आश्रित है जो खेती करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद किसानों की बहुत दुर्दशा हो गई है, इसका क्या कारण है और इस इम्पैक्ट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? आज उनको चावल की फसल, गेहूं की फसल, गन्ने की फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता, और सरकार के साथ इतनी शोचनीय स्थिति है कि वो एफिडेविट देके कहती हैं कि हम ये मूल्य नहीं दे सकते। ये बड़ी निराशाजनक स्थिति है, इस इम्पैक्ट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? आज भी हमारा लॉयल शेयर जो बड़ा समाज है वो खेती के ऊपर आधारित है, मैं इसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन करने का अर्थ है कि उसके दोनों ही पहलुओं को समझा जाए, जो कि सोशियोलॉजी की एक बेसिक अप्रोच है, वैल्यू न्यूट्रलिटी। बेटा बात नहीं कि हमारा जो कार्य है, समाज वैज्ञानिक का कार्य है, किसी भी प्रगटना को समझना, उसके दोनों पहलू, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू एनालाइज। और मैंने दोनों को ही एनालाइज किया है, और मेरा कहना है कि जो ग्लोबल साउथ है दैट विल बी मोर एम्पावरिश्ड, और उसमें भी जो रूरल एरियाज हैं वो ज़्यादा एम्पावरिश होंगे इस पॉलिसी से। तो गवर्नमेंट या हमको जो देखना है वो ही देखना है कि हम इस प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इससे जो असमानताएं, जो एक्सक्लूजन होगा, उसके लिए हमारी क्या योजना हो, उसको हम कैसे कम कर सकें, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकें। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है, तो अभी तो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो ग्लोबलाइज हुई नहीं है, वो आई नहीं है ग्लोबल, उसमें अभी सिर्फ 2-3% इकोनॉमी ही ग्लोबलाइज है, जिसमें कृषि नहीं है। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री की भी ग्रोथ निगेटिव हुई है। आप देखें पिछले 10 वर्षों में निगेटिव ग्रोथ है इंडस्ट्री की, प्राइमरी सेक्टर की निगेटिव ग्रोथ है। नहीं लेकिन सर, 3% लोग 97% पे एम्पावर्ड हो, ये भी तो नहीं नहीं एम्पावरमेंट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन 3% लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, 3% इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है आपकी, 97% अभी ग्लोबलाइज नहीं है, वो नेशनल है। लेकिन जो 3% से जो ग्रोथ हुई है आपकी, आप उस दूसरे तरीके से समझिए, वो 7-8% है इकोनॉमी की ग्रोथ। लेकिन उसमें जो रूरल सेक्टर है उसकी ग्रोथ निगेटिव है, इंडस्ट्री की ग्रोथ निगेटिव है। ये सारी जो ग्रोथ हुई है वो सर्विस सेक्टर में हुई, थर्ड टर्शरी सेक्टर में। तो ये टर्शरी सेक्टर में जो फाइनेंस जनरेट हुआ है,
इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो नेगेटिव ग्रोथ है, उसको कैसे पॉजिटिव में करें? चुनौती ये है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि अभी ये हुआ है, ये जो एग्रीकल्चर को अगर आप देखें पूरे 70 साल का, अगर आप वो एक अलग लेक्चर का वो हो जाएगा कि रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसीज में हमारी कितनी गलतियाँ हैं। 70 में जाके तो हमको पता लगा कि नहीं, हमारी सारी मॉडल ही गलत है। तब हमने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग ये शुरू की। उससे पहले हमको ये पता ही नहीं था कि कैसे प्लानिंग किया जाए, और आज भी हमको नहीं मालूम कैसे प्लानिंग किया जाए। और अब तो आखिर उन्होंने प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म कर दिया, अब नीति आयोग की बात कर रहे हैं। तो हमारी सारी पॉलिसीज ही गलत है, मतलब पूरे कुएं में भांग घुली है, क्या करेंगे आप? लीडरशिप नहीं है आपके पास। वी डोंट हैव पुतिन और लाइक ओबामा, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं तो क्या मतलब है? तो सत्यानाश होना ही है देश का। तो किसानों की जो प्रॉब्लम है उसकी बड़ी डीप एनालिसिस की जरूरत है, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पूरे कॉलोनियल उस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको, कैसे पूरी जो रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है यहाँ पर। तो एक अलग व्याख्यान का विषय हो जाएगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि हमको ये देखना होगा कि कैसे हम ग्रामीण इलाकों में इस नुकसान को कम कर सकें। एनी अदर? हाँ यस, हैं हाँ बहुत, वही तो मैंने कहा ना, जो किसान है वो मजदूर बन रहा है, या कोई भी व्यक्ति है अगर उसमें थोड़ा जो कुछ करने की क्षमता है तो उसको वो कर ही नहीं पा रहा है, उसको स्किल्ड होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। कौन? जैसे वो तो देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कल्चर के जो डीवैल्यूड होंगे, और कुछ नए एलिमेंट उसमें जुड़ेंगे। तो अभी मैंने कहा इट इज़ ए पेनफुल प्रोसेस, इसमें तो होगा ही, तो जो चीज़ डीवैल्यूड हो जाएगी उसको कोई पूछेगा नहीं। जैसे आप देखिए, पहले जो स्कूटर या कार की जो नेम नंबर प्लेट होती थी वो पेंटर लिखता था, अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है, वो 10 मिनट के अंदर बना के दे देगा आपको, तो आदमी उसके लिए जाएगा, वो डीवैल्यूड हो गई है, अब कोई पेंटिंग नहीं कराता उसको। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके अनुसार हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो स्किल उसको दे दिया जाता जो पेंटर था, उसको अपडेट कर देते, उसको कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी में हम ले जाते, तो वो बेरोजगार नहीं होता। यही पॉलिसी की कमी है, हमारे पास विजन नहीं है कि किसके सामने प्रॉब्लम आएगी और फिर उसको कैसे हम अपडेट करें। एक सवाल हो रहा है, हमारे यहाँ एक दीपावली फेस्टिवल होता है, सोनी और सैमसंग दुनिया भर के बाहर के एमएनसी कंपनी के हम टीवी खरीदते हैं, लाखों करोड़ रुपए भारत से वो लाभ लेते हैं, हम लोग वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कम कर पाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे या ऐसे ही चलता रहे? देखिए ये तो आपके पास कोई और उपाय नहीं है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है डेवलपमेंट थ्योरी में है कि एसोसिएट डेवलपमेंट मॉडल है डिपेंडेंसी का, तो एसोसिएट डिपेंडेंसी मॉडल में हम काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ लेबर है,
तो टेक्नोलॉजी और पूंजी तो आपको बाहर से ही लानी पड़ेगी और वो मल्टीनेशनल ही इन्वेस्ट करेंगे उसमें। हाँ, वो फैक्ट्री पूना में खोल देंगे, ग्रेटर नोएडा में खोल देंगे, आपको लेबर का ही काम करना है। और हाँ, अगर वो उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों से किया है कि जैसे अमेरिका अब डिफेंस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भारत से एग्री कर गया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले नहीं देते थे डिफेंस की टेक्नोलॉजी कि नहीं यहाँ पे बनाएंगे और टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे, जापान उसके लिए एग्री कर गया है। तो अगर टेक्नोलॉजी आ रही है और लेबर हमारी है तो लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को फ़ायदा होगा, क्योंकि पूंजी तो है नहीं हमारे पास, पूंजी तो बाहर से ही लानी पड़ेगी आपको। और देखिए, आज ज़माने में ना वो नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म होगा, पूरा विश्व आपका है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर जाइए वहाँ भी कोई ऐसा, आप यूरोप जाइए, यूरोप इज अ वेरी लिबरल पीपल, प्रॉब्लम नहीं है वहाँ कोई, दे विल वेलकम यू, वो इतना माइंड नहीं है उनका, यूरोप इज वेरी लिबरल, तमाम यहाँ से लोग जाके काम कर रहे हैं। और कोई है? राइट, ओके, थैंक यू। और वो व्याधिक स्थितियाँ कौन सी आप देख रहे हैं?
सौ सवा सौ साल बाद जब दुर्गिन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, आज आप देखते हैं भारत में दुर्गिन ने पहले ही आग्रह कर दिया था इन स्थितियों के लिए समाजशास्त्री के रूप में, लेकिन आज आप देखते हैं परिवार टूट रहे हैं, आत्महत्या की दर बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं और बहुत सारी समस्याएं समाज में पैदा हो रही हैं। तो जब हम किसी भी चीज का फायदा लेते हैं, लाभ लेते हैं, तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। जिस न्यूट्रलिटी की हम बात करते हैं विज्ञान में, जिस वस्तुनिष्ठता की हम बात करते हैं, तो उससे होने वाले लाभ ज्यादा है, नुकसान कम है, यही सोचकर हम लाभों की ओर बढ़ते हैं और उन नुकसानों को कम से कम करने के लिए प्रयास करते हैं, उपाय ढूंढते हैं, योजना बनाते हैं। तो वही कुछ स्थिति आज ग्लोबलाइजेशन या कुमंडलीकरण के संदर्भ में है कि आज आप लाभ ले रहे हैं। लाभ कौन सा सबसे ज्यादा ले रहे हैं कि मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन आप सबके हाथ में है। सारे लोग जब चाहे अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, बात करते हैं, व्हाट्सएप पर रहते हैं और पूरे हर स्थिति से हर घटना से आप जुड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का उपयोग आप कर रहे हैं, बाकी सब चीजों से ज्यादा। तो जब लाभ ले रहे हैं तो जो समस्याएं आ रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो समस्याएं आज उभर कर आई हैं आप लोगों के सामने, तो उन समस्याओं को दूर करने के उपायों को भी हमें ढूंढना होगा और उन समस्याओं से कैसे कम से कम हम उसके मुक्त भोगी हों, कैसे हम उससे दूर रहें, इसको हमें स्वयं ही समाधान भी निकालने होंगे। मैं समझती हूँ आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा रहा और जो हमारा उद्देश्य था, हमारा एम था आज व्याख्यान को कराने का, वो अपने आप में सफल रहा। कभी हमें फिर अवसर मिलेगा तो हम सिंह साहब को फिर आमंत्रित करेंगे, फिर आपके पास किसी और इसी विषय को लेकर इसके अन्य पहलुओं पर फिर चर्चा कराएंगे। इसके साथ साथ मैं अपने शंभुदयाल परिवार की ओर से, अपने सब शिक्षकों की ओर से, अपने बच्चों की ओर से आपको एक बार उन्हें अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने पेशेंस के साथ इतने अच्छे ढंग से हिंदी में ही, जो कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से जिस भाषा को समझ सकते थे समझे, उसी भाषा में आपने अपने उस लेक्चर को हस्तांतरित किया होगा। आपको भी हो सकता है थोड़ी सी तैयारी से हिंदी की तरफ आने में करनी पड़ी हो, लेकिन बहुत अच्छा रहा आज का ये व्याख्यान और एक बार पुनः हम सब की तरफ से आपका